अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम, गुड मॉर्निंग और जुमा मुबारक हो आप सबको। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आपको मैं कहूंगा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और अगर आप चाय का कप लेकर सामने बैठ चुके हैं और नाश्ता आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा, क्योंकि यूजुअली लोग ये करते हैं कि वो नाश्ता कर लेते हैं हलीमा, और नाश्ते के बाद वो है ना एक और चाय का कप जो है ना वो लेकर आ जाते हैं। चाय जो है वो हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है, और ना कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, एशियंस के लिए चाय बहुत अहम है। अगर शो से पहले आपने देखा हो तो मैं अपनी जेबें यूं कर रहा था इस वजह से, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम में देखा कि मेरी जो एक पॉकेट थी, मेरी जो दो पॉकेट थी ना वो अंदर थी। अब बताइए ये मतलब होता है क्या? क्या ये साइन है? हाँ, जब आप भी किसी शादी पे जाए और अगर आपने कोट पहना हुआ है, अगर आपकी पॉकेट अंदर है That means you are single. और अगर आपकी pockets बाहर है, that means you are committed. आपकी शादी हो चुकी है, आपकी मंगनी हो चुकी है, तो या आपको किसी के हो चुके निकाल के रहना चाहिए। तो pockets जो है है ना? अच्छा जी, ये अकलमंदों के लिए इशारे काफी है। मैंने आप लोगों को काफी वाज़े तौर पे इशारा देके समझा दिया है कि भाई आपका अब चांस नहीं है, तो किसी और तरफ अगर आप राब्ता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब पता क्या होगा, अब जो बेगमात होंगी ना वो आएंगी और वो पॉकेट बाहर निकालती जाएंगी। बेटी तरह ये अच्छा, वैसे खैर मैंने कभी इतना गौर नहीं किया क्योंकि लेकिन अब मैं सोच रही हूं कि अब मैं देखूं। हां, आपने देखना कि क्या कर रहे हैं। और पता है ये चीजें बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होती हैं, साइन लैंग्वेजेस। जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं तो कांटा चम्मच आपने किस तरह से रखना है और उसका क्या मतलब है, ये भी लोगों को नहीं पता होता। तो इसलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर आप शादी में जाए तो इन चीजों पे इतना थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस। जब भी मैं गाड़ी में चलता हूं, मैं ये बात आसान बताऊं, इससे पहले हम न्यूज पे जाए, सानिया सईद अब सबकी फेवरेट बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस है। जब मैंने रेडियो किया तो मेरा पहला इंटरव्यू सानिया सईद साहिबा के साथ था। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, तो मैंने उनसे कहा आप एक प्रोग्राम करती थी, माँ बाप क्यों नहीं करती? वो कहती है मैं इसलिए नहीं करती कि जब मैं उठ के जाती हूँ ना किसी प्रोग्राम से तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ सिखा कर गई हूँ या मैंने कुछ सीखा। तो मैं चाहता हूँ कि हम जब भी ये प्रोग्राम करें कुछ ऐसी बातें बताएं जो आप यहाँ से सीख सके और हम भी आपसे सीख सके। एक बात आपको ये बताऊं कि जो कांटे छुरी चमचे, इतनी खूबसूरत बात जब हलीमा ने की तो मैंने कहा कंटिन्यू कर लूं कि जितने भी कल्चरल नॉर्म्स हैं वो शायद पाकिस्तान में जिस तरह आप कांटा छुरी रखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है दूसरे मुल्क में जाके। तो वो जो मुहावरा है ना, जैसा देश वैसा बेस, इस पर जरूर अमल किया करें। अपने गाँव जाए ना तो उसके उनके लिबास को अपना कर जाए, क्योंकि लोगों को फिर अपनाइत महसूस होती है, लोगों को अच्छा लगता है ना। बिल्कुल जी, जैसा देश वैसा भेस तो हम लोग हमेशा समझते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ताकि वहां जाके आपको ये ना लगे, ना आपको ये लगे और ना दूसरों को ये लगे कि आप वहां पे मिसफिट हैं या आप कुछ अलग हैं। उनको यही महसूस होना चाहिए कि आप उन्हीं जैसे हैं, उन्हीं के साथ रहने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा जब कहीं जाना चाहें तो उनके कल्चर के बारे में, उनके मुल्क के बारे में पढ़ के जाना चाहिए। अच्छा जी, न्यूज को हम शामिल करते हैं। मेरी फेवरेट न्यूज हमेशा होती है, मैं यही कहने लगा था, मैंने कहा हमारी ज़ारा नूर अब्बास जो है ना वो बताएंगी आपको क्रिकेट के हवाले से जो भी खबर होती है, मेरी हमेशा फेवरेट होती है। न्यूजीलैंड के साथ जो हमारी सीरीज हो रही है उसमें बहुत सारे यके बाद दीगरे जो है वो रिकॉर्ड्स हम बना भी रहे हैं और तोड़ भी रहे हैं। बाबर आजम के हवाले से पहले ही आपको बता चुके हैं, 5 दिन की जो ODI की सीरीज है उसमें 3-0 से पाकिस्तान ऑलरेडी जीत रहा है। और जो लास्ट हम लोग मैच जीते हैं 288 का हमने टारगेट दिया। जी बिल्कुल, 287 वैसे हमने रन बनाए। मुझे वैसे उर्दू की नहीं आती इसलिए हमारे जो है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं मुझे तंग करने की। 287 जो है वो हमने रन बनाए, 288 का टारगेट था। और उसको बॉलर्स ने जिस तरह से उस टारगेट को अचीव करना न्यूजीलैंड के बैट्समैन के लिए मुश्किल बना दिया, वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काबिल दीद बात है। क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब दोनों में से हमारी कोई एक साइड चलती है, जब हमारे बैटर्स चलते हैं, बैटिंग लाइन चलती है, तो बॉलर्स उसको डिफेंड नहीं कर पाते। और अगर बॉलर्स अच्छा कम टोटल अपनी टीम को देते हैं तो बैट्समैन वो बना नहीं पाते। लेकिन इस दफा हम लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह दोनों चीजों में पाकिस्तान पूरी तरह से कामयाब हो रहा है। अच्छा, कराची की ऐसी पिच है हलीमा, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे रन जो है कम बन रहे, क्योंकि रावलपिंडी में रन बहुत ज्यादा बन रहे, जैसे 337 रन न्यूजीलैंड ने बनाए हैं, क्योंकि काफी बड़ा स्कोर था स्कोर बोर्ड पे। और कराची की एक और बात, कराची में जो मैच जो है वो जो चेस किया जा चुका है वो 281 भी जो है वो कर चुकी है। और मैं आपको ये भी बड़े मजे की एक बात बताऊं कि रिजवान की मैं मुझे समझ नहीं आती
खुदा के लिए उसको चौथे नंबर पे ले आए, वो अच्छा खेलता है चौथे नंबर पे। जबकि वो बंदे खुद भी कह रहा है कि भाई मैं चौथे नंबर पे अच्छा खेलता हूं, छठे पे खेल सकता ना, साथ में वो नहीं, वो चौथे का बंदा है। मतलब ऑफ कोर्स मैं नहीं हूँ कोच, मैं ये नहीं कह रहा, पर दिल चाह रहा है मैं आपको ये बात कहूँ। और दूसरी बात, इमाद वसीम को लेकर आए, इमाद वसीम नहीं भाई, हमारा भी इनपुट होना चाहिए, हम आप लोगों के सपोर्टर्स है, हमारा इनपुट नहीं होगा तो फिर किसका? बिल्कुल। और इमाद वसीम को वापस लाना चाहिए जी, इमाद वसीम इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर ओडीआईज और वो कितना बेहतरीन खेलते हैं आप सब जानते हैं। अब कल मुझे एक मसला भी हुआ यार, इमाम हाय हाय नर्वस 90 का जो शिकार वो हुए, और ऐसे कभी भी नहीं हुए, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग हो जाते हैं पर इमाम कभी भी नहीं हुए, वो जब भी 90 तक पहुंचते वो अपनी सेंचुरी बना के निकलते, लेकिन कल वो बेचारे जो है ना नहीं, लेकिन अगली जो हमारी खबर है वो भी वैसे तो क्रिकेट से ही रिलेटेड है और इमाम से और बाबर से ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि जिस तरह से इमाम और बाबर ने हमारे ही दो प्लेयर्स का जो आपस में पार्टनरशिप होती है उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि यूनस और यूसुफ। जब हम लोग बचपन में इन दोनों को देखा करते थे तो इनकी जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी मशहूर थी और लोग जो ओपोनेंट हमारी टीम्स होती थी वो इनकी पार्टनरशिप से डरा करती थी कि अगर एक दफा दोनों स्क्रीन पे पिच पे जम गए तो फिर इनकी पार्टनरशिप जो है ना वो तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसी किस्म की कुछ पार्टनरशिप हम लोगों ने इमाम की और बाबर की देखी और इमाम ने जो है वो 107 रन बनाए और बाबर ने 62 रन बनाए उस पार्टनरशिप में पार्ट प्ले किया। 26th ODI था, बिल्कुल 26th ODI था और बड़ी जबरदस्त दोनों की पार्टनरशिप रही। अच्छा एक और बात, पाकिस्तान के स्कोर भी 287 पे ले गए थे यार, बेहतरीन। और एक और बात आप लोगों को बताती चलूं कि 12 साल बाद न्यूजीलैंड के साथ कोई ऐसी सीरीज हो रही है जो पाकिस्तान जीत चुका है। सीरीज तो वैसे हम लोग जीत ही चुके हैं एक तरह से, लेकिन सीरीज अगर हम ये पांचों के पांचों मैच जीत जाते हैं तो ODI के रैंकिंग में पाकिस्तान आ जाएगा पहले नंबर पे, और अगर हम चार मैच जीतते हैं तो फिर हम लोग होंगे तीसरे नंबर पे। अभी जो है पाकिस्तान ODI की रैंकिंग में पांचवें नंबर पे मौजूद है, वो भी वैसे कोई बुरी रैंकिंग नहीं है, लेकिन जाहिर है पहले पे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मान लें मेरी बात, हम पहले पे आ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, और जिस तरह से हुमायूं ने कहा कि इमाद को ले आए, इस तरह के लोगों को ले आए, तो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज के मैच में और अगला जो आने वाला ODI यानी कि लास्ट जो ODI होगा उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। हारिस रऊफ ना खेलें अपनी तबीयत की खराबी की वजह से, और अच्छी बात यह है कि 2023 का वर्ल्ड कप आ रहा है, खुदा के लिए उसके लिए हमने बड़ा प्रिपेयर होना है। हमारी सांसें जो है वो अभी सेट की हैं, जो वर्ल्ड कप होना है उसके लिए हम चाहते हैं कि बेहतरीन तैयारी हो। एशिया कप का कुछ नहीं पता, वो अब क्या होगा, उसकी क्या मंजिल होगी, लेकिन जरा उस पर जरा ध्यान दें। 2023 का जो वर्ल्ड कप है उस पर जरा ज्यादा ध्यान देना, और जैसे कि आपने कहा कि हम पहले नंबर पर आ सकते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जब हम आ जाएंगे ODI की लिस्ट में नंबर वन, एंड दैट विल बी एन अमेजिंग फीलिंग फॉर पाकिस्तानीज एज वेल। मेरे ख्याल से काफी अरसे बाद हम लोग पहले नंबर पे ODI की रैंकिंग में आए, क्योंकि T20 की रैंकिंग में अक्सर हम लोग टॉप थ्री में ही रहते हैं और बड़ी खुशी होती है, लेकिन ODI में हमारी जो टीम थी वो काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रही थी और अब जो परफॉर्म करना शुरू किया है तो बड़ी खुशी भी हो रही है। अच्छा, मैं बताऊं, नसीम पर बड़ी अब जिम्मेदारी है, क्योंकि नसीम बहुत बेहतरीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, लेकिन खाली नसीम पर जिम्मेदारी नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी ने भी कुछ करके दिखाना है। शादाब बड़े चुप बैठे, आप भी निकल कर बाहर लग रहे हैं। आज हम एक एक का नाम लेकर अपना इनपुट आपने ये करना है कि आपने रिजवान को चौथे नंबर, आप देख रहे हैं सुबह सुबह हमें, तो आपने रिजवान को प्लीज चौथे नंबर पे लेकर आना है ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके, बहुत बेहतर परफॉर्म। और हमेशा से रिजवान जो है वो बहुत ही ज्यादा जब शुरू के नंबर्स में खेलते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आजकल वो जो नंबर्स पे खेल रहे हैं ना, वो ऐसी सिचुएशन होती है कि आप जो है ना जब आते हैं तो आपने बहुत हार्ड हिटिंग करनी होती है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि डू और डाई। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जैसा इफ्तिखार हैं, वो जब छठे सातवें नंबर पे आते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ कहनी थी आप समझ गए। अच्छा, अब अगली खबर की तरफ जाते हैं जनाब, हमारे फखरे पाकिस्तान फखर जमान जनाब, उन्होंने कर लिया है जनाब अपने आप को तीसरे नंबर पे, लेकिन दूसरे नंबर पे, बिल्कुल दूसरे नंबर पे वो आ गए। पहले नंबर पे जो है वो हमारे बाबर साहब हैं, और दूसरे नंबर पे जो है फखर साहब ने अपनी पोजीशन जो है विराजमान कर ली है, और इससे ज्यादा खुशी की बात मेरा नहीं ख्याल कुछ हो सकती है। और ये जो स्कोर, जो हमारा स्कोर बोर्ड है उस पे फखर साहब
बहुत बड़ा जो है वो नंबर हमेशा लेकर आते रहे हैं। बिल्कुल जी, टोटल में बहुत ज्यादा इजाफा करते आए हैं और ओडीआई की जो मेंस बैटिंग रैंकिंग है उसमें दूसरे नंबर पे आ गए हैं। जैसे आप लोगों को बताया हुमायूं ने कि बाबर जो है वो फिर भी पहले नंबर पे ही है, लेकिन उनकी शागिर्दी का फखर जमान को बहुत फायदा हो रहा है और उनके जो बकअप करने का फखर जमान को बहुत फायदा हो रहा है। और लास्ट ये जो ओडीआईज हैं इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल उन्होंने परफॉर्म किया है। एक ओडीआई में उन्होंने 117 रन बनाए हैं और एक दूसरे ओडीआई में उन्होंने 180 रन बनाए हैं, नॉट आउट गए हैं वो। नॉट आउट, आप सोचे मतलब आजकल कराची में गर्मी का भी काफी राज है, ऐसा नहीं है कि मौसम कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा है, गर्मी का राज ऊपर से जाहिर है वहां की जो कंडीशंस हैं वो कुछ होती भी इस किस्म की हैं कि आपको गर्मी और नमी ज्यादा फील होती है। पिच जो है कराची की वो बॉलिंग पिच कहलाती है, वो कहते हैं कि वो बॉलिंग पिच और बॉलर्स के लिए वो बड़ी ही मुफीद साबित होगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो बाकी के जो मैचेस हैं उसमें जो बॉलर्स हैं वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। लेकिन फखर साहब आपने फखर जो है ना फखरे पाकिस्तान बनकर दिखा दिया और आप दूसरे नंबर पर आ गए। अब जी जनाब जिन किंग खान जिनकी हम बात कर रहे थे शाहरुख खान साहब की, हुआ ये कि जो हसनैन हमारे फास्ट बॉलर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा 2020 में कैरेबियन प्रीमियर लीग जो होती है, कैरेबियन प्रीमियर लीग जो 2020 में हुई उसका हिस्सा थे हसनैन जो कि हमारे फास्ट बॉलर भी हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, उन्होंने कहा कि जनाब जब मैं बड़ा इंतजार कर रहा था कि क्योंकि कैरेबियन प्रीमियर लीग में एक टीम जो है वो है टीम शाहरुख खान की, उसके साथ उन्होंने खेला, उन्होंने कहा जब खेला तो मैंने कहा यार शाहरुख साहब से मुलाकात हो जाएगी, किंग खान से मुलाकात हो जाएगी, सबकी ख्वाहिश होती है उनसे मुलाकात करने की। तो जनाब जब उन्होंने मुलाकात के लिए इंतजार किया तीसरे मैच में शाहरुख खान साहब आए और उन्होंने कहा कि जब वो आए उनसे जो ड्रेसिंग रूम है उसमें मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद जनाब वो तीन चार दिन उन्होंने स्टे की। उनकी कहानी ये बता रहे हसनैन ने, मैं कहानी बताई उनकी जबानी बिल्कुल हम नरेट कर रहे हैं उनकी जबानी। तो जनाब उन्होंने कहा कि उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जी मुझे पाकिस्तानियों में बहुत फख्र है, मुझे पाकिस्तानी कौन कौन सी जगहें पसंद है, उन्होंने उसके बारे में जिक्र किया कि मेरे साथ किया। और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आना भी चाहता हूं और मुलाकात भी करना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तानियों से मिल सकूं। इसी बात पर मैं अगर आपको बताऊं कि मैं ये पता नहीं अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहा हूं, मैं कल क्योंकि हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं मोबाइल तो मैं देख रहा था हुमायूं सईद रीमा शाहरुख खान और प्रीति जिंटा, ये एक क्लिप था, लिटरली मेरा दिल मोम हो गया। और मैंने जब वो देखा जिसमें हाथ पकड़े हुए थे, पीछे पाकिस्तान और भारत का झंडा जो है वो साथ था और एक अमन की जो आशा थी उस वक्त ये एक कैंपेन चली थी, तो मेरा ख्याल है कि ये करना चाहिए। हमने तो हमेशा अपना दिल बड़ा किया है, हमने तो हमेशा हाथ खोले हैं, अब थोड़ा सा आपको कहेंगे कि आप यहाँ पे ना मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं और इंडिया के भी जो लोग हैं, मतलब मैं आम आवाम की बात कर, हमें बड़ा प्यार है, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बहुत ज्यादा है। ये जो सरकार बनाई जाती है ना, जो गवर्नमेंट होती है वो भी हमारी गवर्नमेंट हमेशा हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट की मुझे नहीं पता क्या कुछ मजबूरियां हैं, वो इसी चीज को अपना ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करके आते हैं ताकत में कि भाई हम पाकिस्तान के खिलाफ ये करेंगे, और फिर जाहिर है वो उनकी मजबूरी बन जाती है उनको वो करना। लेकिन हमारे जो अवाम है वो एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं शाहरुख खान के हवाले से। बिल्कुल देखिए वीडियो शाहरुख खान के हवाले से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि उनकी फैमिली का जो ओरिजिन है वो पेशावर से है और उनको पेशावर आने का बहुत शौक है, देखने का बहुत शौक है, बहुत सारे लोग पेशावर से उनके लिए बहुत तोहफे भी भिजवाते हैं। तो ये बात तो यकीनी तौर पे सही है कि उनको पाकिस्तान आने का, यहाँ पे रहने का, कुछ टाइम स्पेंड करने का शौक है। अब जी हसनैन इतना खूबसूरत मुल्क है और जब आपको पता हो कि लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ भी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको प्यार करते, तो फिर जाहिर है आपका दिल करेगा कि आप जाके उनके साथ मिलें। अब जी हसनैन ने उनके बारे में बताया कि उन्होंने टीम के साथ काफी टाइम स्पेंड किया। सबको ये शाहरुख खान के हवाले से पता है कि वो क्रिकेट के बहुत बड़े मद्दा हैं और जब उनकी टीम हारती है तो वो बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं और बार बार कैमरा उनको दिखा रहा होता है मैच के दौरान उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं सब कुछ, वो बाकी बिल्कुल जिस तरह बच्चे नहीं होते, एक छक्का लगने पर एक्साइटेड हो जाते हैं और एक चौका लगने पर एक्साइटेड हो जाते हैं और एक विकेट गिरने पे उदास हो जाते हैं, तो उसी किस्म के कुछ शाहरुख खान साहब के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो हम समझ सकते हैं उनकी फीलिंग्स को क्योंकि हम भी जब मैच लगा होते हैं तो इसी तरह फील कर रहे होते हैं। तो वो जी बता रहे हैं हसनैन के अपनी टीम के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, उनका मोराल बहुत अप करते हैं और बहुत उनको बकअप करते हैं, चाहे वो जीत रहे हों या हार रहे हों कोशिश करते हैं कि वो अच्छा खेले। और अगली खबर जी हमारे पास है पाक फौज के हवाले से और ये खबर ऐसी है कि जिसको पढ़कर सुनकर बहुत खुशी हुई।
पाक फौज ने जनाब फ्लड से एक ब्रिज गिरा था जो कि सवात और बहरीन को आपस में मिलाता था, वो ब्रिज उन्होंने तामीर कर लिया। 100 फीट जो है उस ब्रिज की लंबाई है, बाई है, उसको तामीर दोबारा कर लिया। और इसको अब अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अब ऐसे तामीर हुआ है कि अब कोई फ्लड, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई आफत आती है तो ये ब्रिज जो है वहां पर मजबूती से कायम रहेगा। याद रहिए, ये सवात से बहरीन का रास्ता है जो कि उसको आपस से मिलवाता है। 66 किलोमीटर जो है इसका जो रास्ता है जो कि सवात और बहरीन को आपस से मिलाते ही, वो बहरीन नहीं है, जो मुल्क बहरीन है, ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है जिसे बहरीन कहा जाता है। और पाक फौज ने इसको बड़ी जल्दी से इसको तामीर किया और जो सवात के रिहायशी है वो खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं पाक फौज को इस उम्दा काम करने पर। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो आईजी कॉर्प्स नॉर्थ ने किया। और जब जैसे कि आप ये ब्रिज देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत, मैं जब देख रहा था ये ब्रिज जहां पर है हलीमा, उसके राइट नीचे एक बहुत खूबसूरत लेक है, पानी गुजर रहा है वहां से। और इसको तामीर करना यकीनन बहुत मुश्किल काम था क्योंकि ये एक बहुत माउंटेनियस एरिया है और इसको कहा यह भी जाता है कि वहां के लोग इसको कहते मुश्किल ब्रिज। बिल्कुल जी, वहाँ पे जितने भी ब्रिजेज हैं, अगर आपका चक्कर लगे नॉर्थ की साइड पे तो आप देखेंगे कि पुराने वाले जो ब्रिज हैं उनको वैसे भी रिप्लेस किया जा रहा था नए ब्रिजेस से, क्योंकि एक तो इनमें रेजिस्टेंस पावर होती है, दूसरा ये टुकड़ों की शक्ल में बनाए जाते हैं, यानी कि पुराने वाले जो ब्रिज होते थे उन पर बाकायदा तौर पर सड़क की तरह ही वो बनाए जाते थे और नीचे जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता था वो थोड़ा चेंज रखा जाता था, लेकिन ये वैसे ब्रिजेज नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई अर्थ क्विक आता है, कोई आफत आती है, कोई सैलाब आता है, कोई कुछ आता है, तो इनके दरमियान में एक वक्फा पैदा हो सकता है, लेकिन ये ब्रिज टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। इसीलिए इनको इस तरह से हमारे जो आर्मी के इंजीनियर्स हैं उन्होंने डिजाइन किया है, डिफरेंट पार्ट्स में इनको बनाया जाता है और फिर वहां लेके जाके जोड़ा जाता है। और इसका मकसद यही होता है कि कुछ भी हो जाए ये ब्रिज टूटे ना, क्योंकि जब ब्रिज एक दफा टूट जाता है ना तो फिर दोनों जगहों को कनेक्ट करने का कोई जरिया नहीं रहता और बहुत टाइम लगता है वहां पे लोगों को, चीजें खाने पीने की अशिया रुक जाती हैं वहां पहुंचना, इस तरह के बड़े मसले मसाले ना हलीमा, क्योंकि फिर वो अगर ये शॉर्ट रूट को देखे, ब्रिज इसीलिए कनेक्ट लिया जाता है कि वो लॉन्ग रूट से अवॉइड किया जाए, तो लोगों को बड़ी मुश्किलात थी और बड़ी परेशानी थी। हमायूं होती है कि कुछ इलाकों में कोई और कनेक्टिविटी का जरिया होता ही नहीं है, तो वहां पे जब सैलाब या इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो चीजें पहुंचना रुक जाती हैं और बिल्कुल रब्ता जो है वो मुनकता हो जाता है वहां के लोगों के साथ। तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और खैराज तहसीन पेश करते हैं हम जी अपनी पाक फौज को कि उनके जवान जो हैं वो हमारी मुश्किलात को कम करने में रोज ब रोज लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। अच्छा जी, अगली जो हमारे पास खबर है जी, आसिम अजहर के हवाले से है। पाकिस्तान के बड़े मशहूर सिंगर हैं और यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जी कोलेबोरेशन कर रहे हैं नॉर्वे की एक सिंगर के साथ, उनका एक गाना कुछ ऐसा पहले रिलीज हुआ था, रिलीज हो चुका है, अब उसका एक रीमेक बनाया जा रहा है जिसमें आसिम अजहर भी पार्ट प्ले कर रहे हैं। और ये खबर जो है वो नॉर्वे की सिंगर ने ही ब्रेक की अपने इंस्टाग्राम पे, उन्होंने आसिम अजहर की तस्वीर लगाई और हाँ उनका नाम है और उन्होंने जी इंस्टाग्राम पे आसिम अजहर की तस्वीर लगाते हुए ये खबर ब्रेक की कि कोलैबोरेशन हो रही है और एक नया मेरा जो एक ऑलरेडी मौजूदा गाना है उसको थोड़े नए स्टाइल में आप लोगों के सामने लेके आया जा रहा है और उसको फिर रीपोस्ट किया आसिम अजहर ने अपने इंस्टाग्राम पे। तो इस तरह से हमें पता लगा कि एक नई चीज़ एक दो ममालिक के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो मार्केट में आने वाले हैं। बिल्कुल, और क्योंकि ये दौरा कर रहे थे यूके और यूएस का, अभी कुछ ही दिन पहले आसिम अजहर और इनकी मुलाकात हुई नॉर्वेजियन एस्ट्रिड एस से, जो कि आईएमडीबी पे 6 रेटिंग पर है। ये एक अभी तक अवार्ड जीत चुकी है और एक नॉमिनेशन इनको मिल चुकी है ग्रैमीज पे। और एस्ट्रिड एस जो है वो बहुत ही मशहूर सिंगर है, इनका डार्केस्ट आवर जो है वो गाना काफी मशहूर और मकबूल है। उन्होंने उसी का रीमेक बनाने की कोशिश की, नया वर्जन बनाने की कोशिश, जिसमें आसिम अजहर उर्दू और इंग्लिश दोनों में गाएंगे। अभी गाने का ट्रेलर जारी इस तरह हुआ कि सिर्फ एक तस्वीर आई है जिसमें आप अगर देख सकते हैं एक डार्क सी तस्वीर है जिसमें आप आसिम अजहर को उनकी नाक देख सकते हैं और आप एस्ट्रिड एस की नाक देख सकते हैं। और वो ये जो गाना जो है जो कहते हैं, क्योंकि यूजुअली अगर एस्ट्रिड एस के आपसे और मेरी हमारी यही बात हो रही थी कि वो वीडियोज नहीं बनाती अपने गानों की,
वो एक पिक्चर होती है और गाना उसी पे चला जाता है। अक्सर इनके गाने ऐसे होते हैं, क्योंकि मैंने इनके गाने काफी सुने हुए एस्टेरेस के, मुझे डार्केस्ट आवर भी मुझे पसंद था। अब उसमें क्या चेंज लाने वाले, ये देखने वाली बात है। चेंज सिर्फ जी जनाब बात आई, क्योंकि जब गूगल और चेंज की बात ना हो, ये चेंज की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। गूगल ने जनाब पाकिस्तान में एक ऐप डेवलपिंग वर्कशॉप जो है वो शुरू होने जा रही है, लॉन्च कर ली है। ये है क्या, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं उनसे मैं ये जिक्र कर दूं कि आपने मई 22 से पहले पहले इस वर्कशॉप्स के लिए आपने साइन इन कर लेना है। ये ऐप डेवलपर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। ऐप डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नॉट जस्ट फॉर दैट, ये असाद हमीद जो कि सीईओ हैं गेमिंग के, उन्होंने कहा है कि गेमिंग में भी एक नया फरोग हम लेकर आएंगे और इस ऐप डेवलपिंग से बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। ये ऐप डेवलपिंग है क्या और कौन सिखाएगा? गूगल एक्सपर्ट्स और जितने भी मायनास दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इस ऐप डेवलपिंग के बारे में सिखाएंगे, जिसमें एड्स, एडमॉप, जीटेक और बहुत सारी ऐसी जो कि आप जानते हैं जो ऐप डेवलपर्स हैं, इसके हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिखाई जाएंगी। इसमें 4 महीने का ये कोर्स होगा जो कि आप ये करेंगे, 4 मंथ्स का ये कोर्स होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जून इंशाल्लाह ताला, ये जून से शुरू होगा। और वो कहते हैं पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है ऐप डेवलपर्स, एंड नॉट जस्ट ऐप डेवलपर्स, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, स्टूडियोज एंड कंपनीज भी इसमें रजिस्टर कर सकती है और अपने एम्प्लॉयज को इसके लिए सिखा सकती है। एंड जैसे कि हमने कल बात की थी, डिजिटल रेवोल्यूशन जो है वो बहुत सारी चीजें चेंज करने वाली है। और जैसे कि बिल गेट ने कहा था 2035 में आपका जो गुर्बत है ना खत्म हो जाएगी, उसमें डिजिटल का बहुत बड़ा हाथ होगा। और अच्छा, गूगल के हवाले से हम लोग जब भी बात करते हैं हमारे रीज मेनली आती है वो यही होती है कि गूगल कुछ नई चीज, कुछ नई रेवोल्यूशन लेके आएगा। जैसा हुमायूं ने आपको बताया, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है गेमिंग जोन के हवाले से, तो वो चाहते हैं कि इन लोगों को और बेहतर तरीके से स्किल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी बच्चे बहुत ज्यादा गेम्स बना रहे हैं और वो गेम्स जो है वो जाहिर खुद ही सीखते हैं और खुद ही उनके एनिमेशन और चीजें बनाते हैं। तो गूगल ने जब ये देखा कि पाकिस्तान इस मार्केट का बहुत बड़ा हब है, तो उन्होंने ये सारी चीज प्लान की है और 4 महीने का ये कोर्स है, आप कर सकते हैं। आगे आगे बच्चों की छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। और उसके बाद जब 3-4 महीने के बाद आपके स्कूल खुलेंगे तो आप एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड इंसान होंगे जो एक ऐप जो है वो डेवलप कर सकता है। और यहाँ पे हम लोग देते हैं एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो टॉपिक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। हर इंसान की जिंदगी मुकम्मल ही नहीं होती। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। इंसान मुकम्मल नहीं है उसके बगैर। तैनू गीत सुनावांगा मैं यार, ओ तैनू अपना बनावांगा मैं यार, कदी नहीं तोड़ना इश्क दी डोरना, हर वेल तैनू बोलना, डोलना डोलना संग तेरे, डोलना 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 संग तेरे, डोलना। यहाँ पर जिन भूत भी जाने से डरते हैं। हमारे घर पे हमला हुआ था तो उसने हमारा साथ दिया था। कब्जा करो पहले से ही वहाँ मौजूद था, धमकियां दे रहे थे मुझे। वो हम सबको मार देंगे। साई बता रही थी पूरे 16 कत्ल किए हैं उसने। परी, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। हमारी शादी होगी, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? परी मेरी तरफ देखो। दूर रहो मुझसे दानियाल, मेरे करीब मत आना। मैंने कहा मेरे करीब मत आना। मुमकिन है कि उनकी निगाह में कोई और जच गया हो। कौन सा ऐसा जुर्म मुझसे सरजद हुआ था जो
जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। नरासब और तमसीला की जान ले लूं अगर हमारी रिवायत को ठेस पहुंची तो। आपा अगर तमसीला का ब्याह होगा ना तो सिर्फ शहबाज से होगा। कदम फूक फूक कर चलने वालों को ना इश्क नसीब नहीं होता। अब अगर तुम्हारी कहीं की गुल खिला के बैठी है तो हमारी क्या खता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान। इन्हें क्या पता यादें क्या होती। ध्यान किया करो बहू, पहली बार मैंने उंगली उसी मकान में चलाई थी। बहुत शौक था मुझे उनका स्कूटर चलाने का। बहू, घर से अकेले बाहर मत निकला करो, आजकल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मिले हैं ये पल, ना मिलेंगे ये कल, आज जी लो इन्हें ये समा फिर ना आएगा। वक्त ये इसकी जगह यही है, गुजर जाएगा। मकान तो सिर्फ दीवारें हैं, घर की यादें तो रिश्तों से होती हैं। इन्हीं रिश्तों की ऐसी ही खट्टी मीठी यादों को बुनते बनता जा रहा है फैसल टाउन। ये समा फिर ना आएगा। जी, वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं, एक जो है ना, आजकल के दौर में लोगों के साथ, बच्चों के साथ बड़ा मसला होने लग गया है। मसला ये है कि हमारे जो पेरेंट्स, बच्चों की बात करेंगे, आपकी बात नहीं होती। हमारे जो पेरेंट्स होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर से, पॉल्यूशन से, बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट से दूर रहते थे। तो अब इस तरह का दौर नहीं है, एक ज़रूरत बन चुकी है कि आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, आपने मेकअप भी करना है, आपने बाल स्ट्रेट भी करने हैं, कर्ली भी करने हैं, सब कुछ करने हैं। और जो दूसरी अहम चीज़ है वो पॉल्यूशन है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी स्किन और बाल तो हर वक्त होते रहते हैं ख़राब, लेकिन हमारे पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं हमने तो कभी इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए, हमने तो कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। हाँ, यहाँ उनके पास हर चीज़ का हल ये है कि एक तो रगड़ रगड़ के अपना मुँह साबुन से धो लें, सही तरह मुँह धोया करो ताकि तुम्हें ये दाने शाने ना निकले, और बालों का मसला जो है ना वो यहाँ आके हल हो जाता है कि आओ मैं तुम्हें फलाने का इल्जाम भी आप पे कि आप पानी नहीं पीते। पानी नहीं पीते, एग्जैक्टली। जो मसला हो जाए ना उसका हल ये है कि आप पानी नहीं पीते, तो आप पानी पीना शुरू कर दें। तो मैं उन वालदैन को बताना चाहती हूँ कि अब दुनिया बहुत एडवांस हो गई है,
और अब जो आजकल के जो बच्चे हैं उनके मसले मसाए बिल्कुल डिफरेंट हैं आप लोगों के दौर से, तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करें और बच्चों को जो है ना जाने दें कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जिनके पास जाना उनकी आजकल मजबूरी बन चुकी है। तो इसी तरह की एक एक्सपर्ट हमने आज अपने शो में बुलाई हुई है जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको ऐसी राय दे सकती हैं जो आपके लिए होगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी हम ऑफ कैमरा भी ये बात कर रहे थे कि हम लोग चले जाते हैं फेशियल वगैरह कराने के लिए किसी भी सैलून पे, तो उस तरह से ना जाएं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर नदा हसन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सारी बातें हम लोगों ने पूछनी है, वन बाय वन कोशिश करेंगे कि पूछें ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से अपने मसाइल का हल समझ आ जाए और अगर वो कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं जी इनका एक पैकेज जिसमें ये बताएंगी अपने कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में और उसके बाद आएंगे, हाँ, और उसके बाद आएंगे और हम इनसे पूछेंगे सवाल। आप देखिए, आपको अगर आपको नजर आ रहा हो तो मेरे फेस के ऊपर मेलेनिज्मा है, तो अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो आप ही मुझे बताएंगे। आपका एक हाइड्रोफेशियल कर देते हैं अच्छे से। एक PRP करते हैं, आपका ब्लड लेंगे, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स प्लेटलेट्स निकाल के वी विल इंजेक्ट इनटू योर फेस। इनको हमने नमिंग क्रीम लगाई थी ताकि जब हम इंजेक्ट करें इनके फेस में तो इनको पेन ना हो। वो क्रीम हमने इनकी वॉश करा ली है। अब इसके बाद मैं इनके फेस में इंजेक्ट करूँगी PRP, स्पेशली ये जहाँ पे इनका मिलाज़मा है इस एरिया में और अंडर आई सर्कल्स पे भी मैं करूँगी। और इसके साथ एक कॉकटेल है वाइटनिंग, जिसके अंदर ग्लूटाथियन भी है, विटामिन सी और अल्फा आर्बिटिन है, वो भी हम साथ इंजेक्ट करेंगे मिलाज़मा के पैचेस के अंदर। ये इनके अंडर आई सर्कल्स के लिए है। थोड़े थोड़े करके इंजेक्शंस लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी PRP डालेंगे जैसा इधर और ये यहाँ पे फोरहेड पे दूंगी। ये रिंकल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, फेस टाइटनिंग भी इससे आती है, अंडर आई सर्कल्स और अंडर आईज की लाइंस के लिए भी ये बहुत अच्छा। PRP हमारी इंजेक्ट हो गई है, वाइटनिंग मीज़ो है। ये थोड़ा सा कॉकटेल है, इसमें ग्लूटाथियन है, विटामिन सी है, अल्फा आर्बिटिन है और कुछ विटामिंस हैं जो हम डायरेक्टली मिलाज़मा के अंदर इंजेक्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पेस देके। ब्लीडिंग हल्की सी होती है, इसमें आपका हल्का ब्रूज पड़ जाता है, जैसे नील कभी कभी हो सकता है बन जाए क्योंकि नीडल अंदर जाती है, वो तो 2-3 दिन में वो भी ठीक हो जाता है। हल्की सी इरिटेशन, स्वेलिंग माइल्ड सी 1-2 दिन रहती है। आपने बस मॉइस्चराइज अच्छा करना होता है और सनब्लॉक लगाना होता है, डायरेक्ट हीट और धूप से बचना होता है। अभी मैं बस कुछ सूदिंग क्रीम्स लगा रही हूँ इनके फेस पे ताकि इनको पेन भी थोड़ा इससे कम हो जाएगा, स्किन भी सूद हो जाएगी। हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाएंगे एंड शी कैन गो होम, और फिर आफ्टर केयर इनको फिर हम सारी बता देंगे कि किस तरह से करनी है। और मेकअप 3-4 दिन नहीं करना आपने, पिगमेंटेशन कम होगी और डार्क सर्कल्स बेहतर होंगे, फाइन रिंकल्स बेहतर होंगे और लिफ्टिंग टाइटनिंग आएगी आपके फेस पर। ठीक हो गया, ठीक है। फ्राइडे है, सिर्फ फ्राइडे जी। वेलकम बैक टू द शो। हम बिल्कुल एंड में ना डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मेकअप नहीं करना आपने 3-4 दिन, तो मैंने फौरन पूछा कि फिर हम करा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ फ्राइडे को करा लें और फिर सैटरडे संडे जो है ना आपकी छुट्टी होगी, तो फिर उसके बाद मंडे को आप दोबारा से मेकअप करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि ये जो सारा प्रोसीजर था ये क्या था और इससे क्या क्या फ़ायदे लोगों को मिल सकते हैं। अच्छा, पहले तो हमने इनका हाइड्रोफेशियल किया था, ठीक है। सो हाइड्रोफेशियल इज़ अ मेडिकल ग्रेड फेशियल जिसमें हम आपकी स्किन के मुताबिक सिरम्स यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल पील्स यूज़ करते हैं। इसमें जब हम सक्शन करते हैं, आपकी एक स्टेज होता है उसमें से पानी निकल के आपके पोर्स को अनब्लॉक करता है, उसमें से गंद डर्ट निकालता है। पानी ही आपने, वो पानी नहीं होता, उसके अंदर भी कुछ सीरम्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप हम डालते हैं, ठीक है। एंड इट वो बेसिकली आपकी स्किन को ग्लो देता है, स्किन को साफ करता है, हाइड्रेट करता है स्किन को, हाइड्रोफेशियल बेसिकली। एक्ने प्रोन स्किन अगर है उसके लिए हमारे स्किन क्या मतलब, यानी कि दाने, दाने जिसमें बनते हैं, जिसमें एक्ने जिस तरह से वो पीप वाले दाने बन जाते हैं अक्सर टीनेजर्स के भी, इवन 20s 30s में भी
लोगों के निकलते हैं, उसके लिए फिर डिफरेंट सीरम्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की पील्स यूज़ करते हैं विद हाइड्रोफेशियल. अब ये जो उसके बाद जो इंजेक्शंस मैंने लगाए हैं, अच्छा, ये जो पर्टिकुलरली आई थी मेरे पास, ये छाइयों के लिए आई थी. अच्छा. तो इसमें हम करते ये हैं कि आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड 8-9 cc लेते हैं, एक खास ट्यूब होती है उसमें डालते हैं और फिर उसको रोटेट करके उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स और प्लेटलेट्स निकालते हैं. उसका येलो सा पार्ट आपके अपने ही ब्लड में से, आपके अपने ब्लड में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. और ये बहुत सेफ होता है क्योंकि ये आपका अपना ब्लड होता है, तो उसमें आपको कोई रिएक्शन की टेंशन नहीं है. तो वो फिर हम उसमें सिरिंजेस में निकाल के फिर वो हम आपके फेस को इंजेक्ट करते हैं उसके साथ. उससे आपकी छाइयाँ भी बेहतर होती हैं, आपकी स्किन अंदर से मजबूत होती है, आपके फाइन जो छोटे छोटे रिंकल स्टार्ट हो जाते हैं, अंडर आई के सर्कल्स होते हैं, जो डार्क सर्कल्स बैग्स भी होते हैं, जो बैग्स जनरली नहीं लेकिन जो सर्कल्स होते हैं ना वो बेहतर होते हैं. आपकी ओवरऑल स्किन पे ग्लो आती है, आपकी स्किन टाइट होती है, तो इसमें आपकी स्किन खुद को खुद ही हील करती है. सो ये फिर इनका बेसिकली चाय थी जिसके लिए पहले मैंने PRP इंजेक्ट किया और उसके बाद एक स्पेशल कॉकटेल था, डिफरेंट केमिकल्स कह लें, जैसे ग्लूटाथियोन है, जैसे वाइटनिंग इंजेक्शंस होते हैं ना, तो हम IV लगाते हैं, ये हम डायरेक्टली फेस के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं. ओके. तो वो हमने किया. अच्छा डॉक्टर, तो आप प्रोसीजर तो यकीनन जब कोई आपके पास जाता है तो आपसे पूछ ही लेगा इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या होगा. जी जी. हम यहाँ पे यूजुअली ये करते हैं कि हम पहले मिथ्स तोड़ते हैं. पहले जरूरी वो है क्योंकि वो आपके दरवाजे तक जाना का जो अमल है ना वही बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार आ जाएगा तो आप उसे एजुकेट कर ही देंगी. पहला सवाल मेरा ये है कि बहुत सारी ये मिथ्स है और ये मेरी भी मिथ है कि एक बार करा लिया तो फिर बार बार करवाने की जरूरत पड़ेगी. एक बार प्रोसीजर कोई करवा लिया तो बार बार कराने की जरूरत पड़ेगी, मेरे पोर्स खुल जाएंगे, मैं बड़ा बड़ा लगना शुरू हो जाऊंगा. तो ये काफ़ी सारी जो यंग बच्चियां हैं और जो अब तो बच्चे भी हैं तो वो उनकी माएँ कहती हैं कि नहीं नहीं बेटा आप तुमने ये नहीं कराना, फिर उसके बाद तो फिर जरूरत पड़ जाएगी और तुम बड़ी बड़ी लगना शुरू होगी, तो जब 18-20 साल की बड़ी होगी तब करवा लेना. तो ये इसके बारे में क्या है कि एज लिमिट क्या है और क्या ये बात सच है कि पोर्स खुल जाते हैं फिर बार बार कराने की जरूरत पड़ती है? मैं बड़ा बड़ा लगने लग जाऊंगा क्या मतलब? अच्छा, ये मिथ ही है. देखिए, स्किन केयर आपने स्टार्ट करनी ही शुरू से ही करनी है. इवन छोटे बच्चों को आपने प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगाना है, आपने सन ब्लॉक लगा के भेजना है, ठीक है. फिर जब प्यूबर्टी होती है, जब आप टीनेज में आते हो, फिर आपके हार्मोन्स बहुत एक्टिव होते हैं और आपकी स्किन को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं. कुछ लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो स्किन सही रहती है. कुछ लोगों को जैसे एक्ने निकल आता है, कुछ लोगों की छाइयाँ बननी शुरू होती हैं, तो उसके लिए ये मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है और उसको फिर मेंटेन ऑब्वियसली करना पड़ता है. अब किसी को दाने निकले हैं पीप वाले, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है. उसकी खास एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हम ट्रीटमेंट्स के साथ रिकमेंड करते हैं. पानी नहीं है उसका इलाज? पानी इज एक उसका पार्ट है पीना, लेकिन इसका इलाज एंटीबायोटिक्स से लेके डिफरेंट मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट्स भी हैं. जिस तरह से अगर आपको बुखार हो या बुखार तेज हो जाए तो आपने दवाई भी लेनी है और उसके साथ ग्लूकोज भी पीना है, सब कुछ, वो सारी भी रखनी है. पट्टियां भी खाली से नहीं होगा, या वजू भी करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होनी है, आपने करनी है, तभी उसका इलाज होगा. जी, तो ये नहीं होता कि अगर हमने ये ट्रीटमेंट्स करा लिए तो सारी उम्र कराना पड़ेगा. अब जैसे हम फिलर्स और बोटॉक्स करते हैं, ठीक है. अब एक एज होती है जिसमें रिंकल्स बनते हैं, आपने वो बोटॉक्स कराना है, वो 6 महीने के लिए रहता है, उसके बाद आपने दोबारा कराना है अगर आप खुश हैं उस ट्रीटमेंट. अच्छा. से नहीं कराना तो उतने ही रिंकल्स दोबारा आ जाएंगे, तो मेंटेनेंस तो चाहिए ना. आप चेंज करें, आप अपने बालों की केराटिन कराते हो, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, आप दांत साफ कराते हो. इट्स ये इसी तरह कहना कि नहीं डेंटिस्ट के पास नहीं जाओ, दांत नहीं साफ कराओ, बार बार सफाई करानी पड़ेगी. तो वो मतलब आपने मेंटेन तो करनी है ना एक चीज. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह कहा इसको मैं चाह रही हूँ थोड़ा और ज्यादा आप ब्लैक एंड व्हाइट की सूरत में बताएं. लोगों को ये लगता है कि एक दफा आपने बोटॉक्स करा लिया तो जब दोबारा रिंकल्स आएंगे तो उनकी मकदार जो है वो दुगनी होगी. ऐसा नहीं होता. बोटॉक्स, एक तो लोगों को फर्क नहीं पता बोटॉक्स और फिलर्स में. फिलर आपके फेस को वॉल्यूम देता है, बोटॉक्स आपके सिर्फ रिंकल को खत्म करता है और थोड़ी सी फेस को लिफ्ट देता है, ठीक है. जब हम बोटॉक्स कराते हैं तो वो 5-6 माह उसका इफेक्ट रहता है. वो 5-6 माह जितने अरसे के लिए उसका इफेक्ट रहता है वो आपकी एज को उधर फ्रीज कर देता है. ना सिर्फ वो आपके रिंकल्स ख़त्म करता है, वो 5-6 माह जितने अरसे वो काम करता है वो आपकी एजिंग भी नहीं होने देता.
तो इसमें ये नहीं होता कि अगर आप बोटॉक्स कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, वो एक्चुअली वो आपकी एजिंग को स्टॉप भी कर रहा है, आपके रिंकल्स को भी ख़त्म कर रहा है। एक मिरेकल है ना, आपकी 40 साल की जिंदगी के रिंकल्स दो हफ्ते में ख़त्म कर देता है। और ये सिर्फ स्किन डीप है, ये आपकी बॉडी में नहीं जाता या कोई इस तरह के मुज़िर असरात इसके नहीं होता, तो नहीं ज्यादा नहीं होता। अच्छा डॉक्टर नदा, ये आपने जब आपने बात की रिंकल्स की, तो मैंने देखा है कि जिन लोगों ने करवाया फिर उनके मुंह से एक्सप्रेशन चला जाता है जब आप सर्जरीज कराते हैं, आप कुछ करते हैं एक टाइट से आप जैसे मैं बहुत सारे लोगों की खराब भी हुई है सर्जरीज। अब हम अगर आप एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, बहुत सारे लोग और बहुत सेलिब्रिटीज की अगर बात करें, जायद की बात करें, जायद ने अपना नोज कराया, वो खुद मानते हैं उनका नोज बहुत बुरी तरह खराब हो गया। अगर आप बात करें अनुष्का शर्मा की, देयर वाज अ टाइम जब उन्होंने अपने लिप्स कराए, वो बहुत बुरी तरह डिजास्टर हो गया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज सर्जरीज कराते हैं, बहुत सारे लोग कराते हैं, यूजुअली मैंने देखा है 80% इट गोज रॉन्ग। तो उसके बारे में क्या कहेंगी कि क्या वो गलत डॉक्टर के पास जाते हैं या ये लक बाय चांस है किसी का अच्छा हो जाए? अच्छा, जहाँ तक राइनो जैसे उन्होंने अपने नाक की सर्जरी कराई, वो प्लास्टिक सर्जन करते हैं, वो हम लोग नहीं करते। हम लोग लिक्विड नोज जॉब करते हैं, फिलर के साथ आपका कोई हम्प है या कोई नाक टेढ़ी है उसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, टिप को उठा देते हैं, हल्की मोटी माइनर एडजस्टमेंट्स करते हैं। जो प्रॉपर नोज जॉब होती है वो एस्थेटिक फिजिशियंस नहीं करते, वो प्लास्टिक सर्जन करते हैं। जो हम करते हैं इट्स रिवर्सिबल, आपका हमने फिलर डाला ज्यादा है कम कर देंगे। अच्छा, या आपको अच्छा नहीं लगा दोबारा से रिवर्स कर देंगे। पर अगर मेरी नाक यहाँ से बड़ी हुई है तो फिलर तो नहीं होगा, इसको कम कैसे करेंगे? अगर आप इसको कम करना, अगर आप इसको बैलेंस करना चाह रहे हो तो वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ये हम खत्म हो जाए फिर यू हैव टू गो, फिर आपको प्लास्टिक सर्जन के पास जाना पड़ेगा। बट आपका हम इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन हम ये बैलेंस आउट कर देते हैं तो वो हम फिर आपका फील नहीं होगा ना इतना। होता ही है एस्थेटिक्स में, जो चीज सामने नजर होती है वो प्रोमिनेंट होती है, द जो कॉन्वेक्स एरिया होते हैं फेस के, तो जब हम उसकी हाईलाइट को खत्म करते हैं और उसके बराबर में एक चीज लेके आ जाते हैं तो वो प्रोमिनेंट नहीं रहती, प्रोमिनेंसी नहीं रहती। हाँ जी डॉक्टर साहब, हम जिस तरह हुमायूं ने भी नाक की तरफ हमारा ध्यान किया, 90% लोग मुझे लगता है दुनिया में अपनी नाक से खुश नहीं है। हाँ जी, जिनकी छोटी है वो भी खुश नहीं है, जिनकी बड़ी है वो भी खुश नहीं है, जिनकी तीखी है वो भी खुश नहीं है, जिनकी बैठी भी। मेजर पार्ट ऑफ योर फेस, आपका फेस सबसे पहले आपका नाक नजर आता है। इवन आप माहिरा खान को भी देख लें तो वो हमेशा यही कहेंगी कि मेरी नाक इतनी बड़ी है कि मुझे अपनी नाक नजर आती रहती है हर वक्त। हमें भी आती है ना, मुझे लगता है हर किसी को आती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे ज्यादा आती है। अच्छा खैर, कुछ लोग कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास आए हों, आपको उनको देख के लगे कि नहीं आपको अपने चेहरे के खदोखाल कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप उन्हें ये रिकमेंड करें कि कोई जरूरत नहीं है, बहुत ऐसा आप कुछ अच्छे ट्रीटमेंट करा लें, फेशियल करा लें तो सब कुछ सही हो जाएगा, आपको ये चेंज कराने की जरूरत? बहुत दफा ऐसा हुआ है, बल्कि अभी जैसे आप कह रहे थे कि मुज़िर असरात होते हैं कुछ चीज़ों के, अभी मैंने देखा बहुत सारी यंग लड़कियां फिलर्स के लिए आती हैं हमारे पास, स्पेशली जी हमने एप्पल चीक्स बनानी है, तो मैं मना करती हूँ उनको कि आप चेंज मत करो, अभी आपकी नीड नहीं है। 40 अबव आपकी जब कॉलेजन स्किन में ख़त्म होती है, ढलकने लगती है, तब फिलर करा लो, उसको मेनटेन कर लो। इस एज में फिलर्स नहीं करें आप, इस एज में आप अपने हाइड्रोफेशियल्स करें, PRP करें जो नेचुरल ट्रीटमेंट है, आप अपनी माइक्रो नीडलिंग करवाएं, वो एक स्पेशल प्रोसीजर है, उससे ग्लो आता है फेस पे, नेचुरल ट्रीटमेंट्स करें। एक खास एज होती है डिफरेंट प्रोसीजर्स की। ओके, तो हाँ जी बिल्कुल, आते हैं लोग जिनकी परफेक्ट नाकें होती हैं, उनको वो कुछ नजर आ रहा था जो हमें नहीं नजर आ रहा था, तो हम मना करते हैं। बिल्कुल मना करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप लोग कॉल्स करके भी पूछ सकते हैं अगर आप लोगों का कोई मसला है, और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं हमारे दिमाग में जो हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। हर इंसान की जिंदगी मुकम्मल ही नहीं होती। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। इंसान मुकम्मल नहीं है उसके बगैर। तैनू गीत सुनावांगा मैं यार, ओ तैनू अपना बनावांगा मैं यार, कदी नहीं तोड़ना इश्क दी डोरना,
वेल तेनू बोलना डोलना डोलना संग तेरे डोलना 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 संग तेरे डोलना। यहाँ पर जिन भूत भी जाने से डरते हैं। हमारे घर पे हमला हुआ था तो उसने हमारा साथ दिया था। कब्जा करो पहले से ही वहाँ मौजूद था, धमकियाँ दे रहे थे मुझे। वो हम सबको मार देंगे। ईसाई बता रही थी पूरे 16 कत्ल किए हैं उसने। फरी, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। हमारी शादी होगी, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? फरी मेरी तरफ देखो। दूर रहो मुझसे दानियाल, मेरे करीब मत आना। मैंने कहा मेरे करीब मत आना। मुमकिन है कि उनकी निगाह में कोई और जच गया हो। कौन सा ऐसा जुर्म मुझसे सरजद हुआ था जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? नरासब और तमसीला की जान ले लूं अगर हमारी रिवायत को ठेस पहुंची तो। आपा अगर तमसीला का ब्याह होगा ना तो सिर्फ शहबाज से होगा। कदम फूक फूक कर चलने वालों को ना इश्क नसीब नहीं होता। आप अगर तुम्हारी कहीं की कुल खिला के बैठी है तो हमारी क्या खता? PTCL ब्रॉडबैंड से पहले कुछ भी ट्रूली अनलिमिटेड ना था। लगाना पड़ता था रात 10 बजे के बाद इंटरनेट का फुल लॉकडाउन। सॉरी बाकी कल बस। दिन में 5 से ज्यादा डाउनलोड पर कंप्लीट बैन और घर का वाईफाई पासवर्ड मेरे लिए किसी कौमी राज से कम ना था। मगर फिर मैंने PTCL का ब्रॉडबैंड घर मंगवाया और हो गया सब ट्रूली अनलिमिटेड। अब दिन रात चलती है टीवी रूम में बेंच पार्टीज और डाउनलोड्स एंड स्ट्रीमिंग्स भी हो गई ट्रूली अनलिमिटेड। रहा हमारा वाईफाई पासवर्ड, वो तो हो गया अब सबको जबानी याद। PTCL ब्रॉडबैंड घर के आया, लाइफ हो गई ट्रूली अनलिमिटेड। तो आप भी 1-to-1 मिलाएं और हमारी तरह ट्रूली अनलिमिटेड इंटरनेट के मजे उड़ाएं। वेलकम बैक। और आप कहेंगे गुड मॉर्निंग और हलीमा ने इतनी खूबसूरत बात ऑन द रिकॉर्ड बताई है, मेरा दिल चाह रहा है बता दूं, पता चल जाएगा कौन नहीं, है वो। नहीं नहीं उनको नहीं पता लगेगा। हाँ, मेरे एक मैंने बताया कि कहती मेरी एक दोस्त है उसने कोई ऐसे और मैं वो वर्ड यूज करती हूं ऐसे फक्के किसी चीज के बारे में नहीं दवाइयों के, क्योंकि दिस इज समथिंग आई नो कि उन्होंने कुछ लगवाया नहीं है, मतलब इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाए लेकिन दवाइयां खाई है। हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, फलाने हैं, ढमकाने हैं। ऐसे नहीं ना, ऐसे बता रही जैसे आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया। मैं बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में बता रही हूँ। गंदुमी उनका रंग था जो पाकिस्तान में होता है और आजकल जो उनका रंग है वो बिल्कुल कभी कभी लगता है जैसे वो पठान है, इतनी माशाल्लाह पठानी लगती है। और उन्होंने सही किस्म के कोई फक्के मारे हैं। और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं और मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे दिए हैं। अब आप बताएं कि वाकई विटामिन ई के कैप्सूल के फक्के अगर सारे लोग मार चुके हैं तो हम भी गोरे हो जाएंगे? ऐसे नहीं होता। आपने ना एक ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है आपके, आपने प्रॉपर डाइट खानी है, आपने प्रॉपर पानी एक खास डाइट वो नहीं लेती थी प्रॉपर, ये मुझे पता। अच्छा ठीक है। उसके अलावा ग्लूटाथियोन के कैप्सूल्स होते हैं जो हम खाते हैं, एक तो हम इंजेक्शंस करते हैं, एक खाने वाले होते हैं, उसके साथ विटामिन सी कंबाइन करके देते हैं। अच्छा, उसके साथ भी बड़ी वाइटनिंग आती है, आपकी ग्लो आती है। लेकिन ये जो आप वाइटनिंग की बात बता रहे हैं, आर यू श्योर कि आपसे झूठ नहीं बोल रही थी? क्योंकि हो सकता है वो ड्रिप्स भी लगवाती हूँ अगर कोई विटामिन ई। मुझे नहीं लगता क्योंकि शी वाज वेरी अफ्रेड ऑफ ड्रिप्स और समथिंग लाइक दैट। बस उसने वो अफ्रेड निकाला अपना, मेरा 6-7 महीने के अंदर अंदर ना उनका काफी ज्यादा डिजास्ट्रस चेंज आ गया। अब ग्लूटाथियोन के बारे में चलें बात चली पड़ी है तो मैं आपको बताऊं। आईवी ड्रिप्स होती हैं जो ग्लूटाथियोन हम लगाते हैं वाइटनिंग के लिए। अब वो FDA अप्रूव्ड वाइटनिंग के लिए नहीं है वो। जनरली जब हम कीमोथेरेपी करते थे, उन्होंने स्टार्ट की थी मलेशिया में कीमोथेरेपी जब करते थे तो ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट इम्यून आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए देते थे। इस्तेमाल उन्होंने देखा कि जिनको ये दे रहे हैं वो गोरे हो रहे हैं।
बेसिकली. तो उन्होंने फिर ये व्हाइटनिंग ड्रिप्स का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया. थैंक यू फॉर टेलिंग अस. अब हम सबको ये आइडिया मारेंगे. तो वो व्हाइटनिंग ड्रिप्स का जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो उसमें अब होता यह है कि हर कोई इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता. कुछ लोग बड़े अमेजिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं, जो आप मीडिया के, आप, मैं नाम नहीं लूँगी, आप देखो तो आपको पता चलता है कि जी बिल्कुल ये इतने डार्क कलर था और इतना फेयर हो गया कम्प्लेक्शन. और कुछ लोग जो हैं वो नहीं रिस्पॉन्ड करते इतना अच्छा. आपकी बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है. इसके साथ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं. उसके लिए हमें सीरियली टेस्ट्स कराना पड़ता है. अच्छा, मैं आपसे साइड इफेक्ट्स पूछूंगी. हम लोगों के साथ कॉलर मौजूद है, हम कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी हैं जी कराची से. वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है. और हुमायूं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आपको सुबह खैर. सुबह खैर. और ये कि बहरहाल मैं आप लोगों के प्रोग्राम बराबर देख रही हूँ. बहुत शुक्रिया. हाँ, मैंने कॉल भी की है और वो बहरहाल प्रोग्राम के बारे में राय दी है. अच्छा, बहुत शुक्रिया. हमें पता होता है, हमें पता है कि आप जो है ना, मैं आपके वो मतलब आपके नाज़रीन में से बाकायदा नाज़िर हूँ मैं. आप लागे नहीं करती, मुझे पता है. क्या बात है. हाँ, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ मैं. हाँ, ये है कि आप लोगों का आज खैर जुमा मुबारक. आपसे पहली मतलब बात हो रही है तो खैर ईद मुबारक मैंने भिजवा दी थी सब पूरे आपको. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. आप लोगों के ऑन दी हॉल प्रोग्राम रहे, लेकिन आज पता है आज प्रोग्राम की आपके जो इंट्रोडक्शन जो था ना जी जी, उसमें एक मुझे बहुत अच्छी चीज जो लगी है. आप कहेंगे ये आंटी तो तनकीद तो करती नहीं है. नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोग हमें बताएं. दुनिया में तंकीद बहुत ज्यादा है, हमें इसे पॉजिटिव सुनना है. मुझे तंकीद मिले तो मैं करूँ ना. अच्छा, बहरहाल आप मुझे अपनी जो फौज के बारे में जो आपकी फीलिंग जो थी वो मैं उसको फील कर रही थी मैं. बहुत शुक्रिया. और जो अपने हमारी जो टीम जो है ना उसके बारे में जो इतनी अपनाइयत और ओन वाली बात हो रही थी ना, सही बात, वो बहुत अच्छा लग रहा था. और ये आपकी जो माशाल्लाह ये जो बैठी हुई है डॉक्टर जो है, इनके साथ भी बड़ा नॉलेज मिल रही है. और जाहिर है मैं तो खैर इतना हुस्न सेहत पर जोर नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी हाँ अच्छा नजर आने के लिए आदमी को बहुत मैं जो है वो करती हूँ कि भाई अच्छा खाना चाहिए, थोड़ा अच्छे लुक्स होने चाहिए. लेकिन बहरहाल नहीं, लेकिन जो अंदर से जिनका दिल हसीन होता है ना उनकी शक्ल पे भी वो हुस्न आ जाता है. तो मुझे यकीन है कि आप बहुत हसीन होंगी. बेशक. नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है. नहीं, ये आपकी जो जो गेस्ट है ना, ये सब और आपके पिछले गेस्ट भी जो यौम मई का बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था. बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. उसका बड़ा अच्छा फीडबैक मिला हमें. बहुत शुक्रिया, ये हमारी टीम को सारा क्रेडिट जाता है. बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. अच्छा, मेरा मैं एक सवाल आपसे अगर पूछ लूं पर कॉलर क्योंकि हमारे साथ है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी. अस्सलाम वालेकुम मिसेस ताहिर, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग. वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच. अच्छा, ये मैंने पूछना था आपसे कि हेलो आवाज आ रही है? जी जी, सुन रहे हैं हम होशो बास आपकी बात सुन रहे हैं. अच्छा, डॉक्टर साहब से मैं पूछना था. मैंने ना PRP के 4-5 सेशन लिए थे, ठीक है? अच्छा जी. और उसके बाद मुझे तो जैसे पहले सेशन के बाद तो बहुत ग्रोथ हुआ और बड़ा अच्छा लगा. लेकिन उसके बाद दोबारा अभी जैसे वो बताते हैं डॉक्टर्स के आफ्टर मंथ आपने अभी लास्ट सेशन में लिया था दिसंबर में या नवंबर में, ठीक है? उसके बाद अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव, जैसे गर्मी आई है तो मेरी स्किन मुझे ऐसा लगा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो, उसमें इचिंग और उसमें इंफ्लेमेशन और जैसे मुझे ऐसे फील हुआ है कि जैसे उसका अब आके साइड इफेक्ट हुआ है. क्योंकि जब वो PRP करते हैं आप लोग तो एक उसमें आप उसमें उसको ब्लड को लग रहा है व्हाइट ब्लड और रेड को सेपरेट करने के सेंट्रीफ्यूग होता है वो. बिल्कुल हाँ जी. और उसके बाद फिर एक्टिवेटर भी आप जब वो स्किन में आप इंजेक्ट करते हैं तो वो भी आप डालते हैं, मतलब जो भी डॉक्टर वो भी होता है जिससे वो स्प्रेड होता है. तो मेरी स्किन हमेशा से ओवर सेंसिटिव रही थी जिसकी वजह से मेरे जो अपने मैंने दो बहुत ज्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में गई थी. उसके बाद मैंने ये पहली मरतबा सेशन लिया था क्योंकि मैं बड़ी कॉन्शियस थी, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव थी. लेकिन अब वो अजीब सा रिएक्ट कर रही है तो ये उसका रिएक्शन. दूसरा मैं इंटरेस्टेड थी बाद में बोटॉक्स के लिए भी, फिलर क्रीम और जैसे वीडियो थ्रेड, लेकिन अब तो मैं इतनी डर गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए. और स्पेशली
हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है जी, कराची से है याहिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं भाई? हमारी प्यारी सी डॉक्टर साहिबा को बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। के हवाले से जो बात हो रही ना, वो ये हो रही है कि भाई देखे खवातीन का जो ये कहती है ना, खवातीन लोग हमारा चेहरा ही देखते हैं, तो चेहरे पे वो बहुत फर्दा भी करती है और क्रीम भी लगाती है, लेकिन मेरा कंसर्न ये है क्योंकि देखे बात ये कि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि वो क्रीम के जो इश्तिहार आते हैं ना, उसके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट बताते हैं जो मतलब पपीता और पता नहीं अमरूद और ये और वो फला धमाका, जिसमें कुछ भी शामिल होता है सिवाय केमिकल के। एक तो ये बात, दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो बाजियां और आंटियां जो आ रही है ना टीवी पे, जो नॉन प्रोफेशन अनक्वालिफाइड, ठीक है, वो ऐसी ऐसी तरकीबें बताती हैं कि वो, और इतना लोग उनको ऐसा देखते हैं जैसे वो पता नहीं कोई बहुत ही ऑथेंटिक या कोई ऐसी चीज है, जो मैं खुद एक बार हैरान हो गया कि स्पेशलिस्ट बैठे थे डॉक्टर जो बड़े अच्छे डॉक्टर थे, उनसे वो जो आंटी है वो बाजी जो है हमारी वो मुकाबला कर रही है, वो मतलब आपको पता है नहीं, आप प्रोफेशनल है नहीं, तो आप बेहतर है कि चुप रहें। तो अब ये तो एक ऐसा अंदाज है, और मैं नहीं समझता कि मेरी नजर में कोई भी एक टीवी चैनल पे किसी को भी ऐसे, जब तक वो अथेंटिक उस पर डिग्री या उसके प्रोफेशनलिज्म नहीं आना नहीं बुलाना चाहिए, प्रमोशन हो जाती है उसकी, बिना वजह की। ठीक है, लंबी मेरी कॉल हो रही है डॉक्टर साहब से, मेरी बात ये करनी है डॉक्टर साहब, मेरी स्किन है जरा हार्ड किस्म की, ठीक है, और मेरी बीवी बड़ी मुझसे बड़ी जलती है, कहती है आपकी स्किन क्रोकोडाइल की तरह कुछ होता ही नहीं है, इसको ना इसमें पत्थर, माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लग जाए, लेकिन ना मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरी स्किन इज वेरी ड्राई स्किन, तो आई फील सम इरिटेशन, कोई उसमें थोड़ा सा उसमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, तो मुझे डॉक्टर साहब कोई सिंपल सी तरकीब बताएं कि उसकी मेरी स्किन की ड्राइनेस कुछ हद तक कम हो जाए। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच आया। हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप लोगों के सवालों को डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे और वो वन बाय वन जो है कोशिश करेंगे वो डिटेल में इसका जवाब देंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। हर इंसान की जिंदगी मुकम्मल ही नहीं होती, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, इंसान मुकम्मल नहीं है उसके बगैर। तेनू गीत सुनावांगा मैं यार, ओ तेनू अपना बनावांगा मैं यार, कदी नहीं तोड़ना इश्क दी डोरना, हर वेल तेनू बोलना, डोलना डोलना संग तेरे, डोलना 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 संग तेरे, डोलना। यहाँ पर जिन भूत भी जाने से डरते हैं। हमारे घर पे हमला हुआ था तो उसने हमारा साथ दिया था। कब्जा करो पहले से ही वहाँ मौजूद था, धमकियां दे रहे थे मुझे, वो हम सबको मार देंगे। साई बता रही थी पूरे 16 कत्ल किए हैं उसने। परी, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, हमारी शादी होगी, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? परी मेरी तरफ देखो, दूर हो मुझसे दानियाल, मेरे करीब मत आना, मैंने कहा मेरे करीब मत आना। मुमकिन है कि उनकी निगाह में कोई और जच गया हो। कौन सा ऐसा जुर्म मुझसे सरजद हुआ था जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? निरासा पर तमसीला की जान ले लूं अगर हमारी रिवायत को ठेस पहुंची तो। आपा अगर तमसीला का ब्याह होगा ना तो सिर्फ शहबाज से होगा। कदम फूक फूक कर चलने वालों को इश्क नसीब नहीं होता। अब अगर तुम्हारी कहीं से गुल खिला के बैठी है तो हमारी क्या खता?
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान। जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और आप देख रहे हैं एक और सब। हुमायूं ज़ेवासी, हलीमा ज़ुल्फ़िकार और डॉक्टर नदा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं, और बहुत सारी बातें उन्होंने आज बताई हैं जो शायद लिटरली मुझे तो कम से कम बिल्कुल नहीं पता थी, और आई गॉट टू नो अबाउट दैट टुडे। सारी हिस्ट्री भी उनको पता है कि पीछे जो है वो उसकी हिस्ट्री क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला सवाल जो पीआरपी का था ना, तो उसी को मैं लेके, कोई कॉलर का भी था तो वही सवाल मेरा भी था। हेयर से शुरू करेंगे ताकि आप उसको फिर स्किन में भी बता दें। बाल गिरना एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी हर आवाम का। हमारे बाल गिरते हैं या तो पानी से गिरते हैं, या तो कोई सोप हम ऐसा यूज़ करते हैं या शैम्पू ऐसा यूज़ करते हैं। मुझे बताइएगा कि बाल गिरने का क्या सिर्फ एक ही हल है कि अगर आपके बाल गिरे तो आप पीआरपी करवाएं, या आप ट्रांसप्लांट करें, या कुछ और भी हो सकता है? आपको बताती हूँ, बाल गिरने के पहले तो वजह देखनी है ना। आप ट्रीटमेंट तभी करोगे जब आपको वजह पता चलेगी। आजकल केमिकली ट्रीटेड बाल होते हैं, लोग कैरेटिन कराते हैं और बहुत सारे ये रिबॉन्डिंग इस तरह के ट्रीटमेंट्स उनको बेहतर करने के लिए कराते हैं, लेकिन फिर वो वर्स वो हाँ वो बहुत डैमेज करते हैं आपके अपने बालों की नेचुरल कैरेटिन को, वो ख़राब करते हैं उनको, तो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। आपके अंदर मल्टी वाइटमिन्स की कमी हो सकती है, जैसे वाइटामिन D3 और B12 है, बहुत डेफिशिएंट होते हैं हम लोग। इवन मेल्स, हम सोचते हैं सिर्फ फीमेल्स हैं क्योंकि वो प्रेगनेंसीज उनको होती हैं, तो उसकी वजह से मेल्स में भी विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत देखी गई है। थायराइड इश्यूज होते हैं, बहुत दफ़ा हमें पता नहीं होता हमें थायराइड का प्रॉब्लम होता है, सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस कहते हैं, सब एक्यूट थायरॉयड का इशू होता है। वो जब हम टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कोई माइल्ड थायरॉयड का इशू आ रहा है, तब भी बाल गिरते हैं। जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं, जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से भी बाल गिरते हैं। इनको कहते हैं मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बॉलनेस, ठीक है। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो एक पेशेंट जब हमारे पास आता है, अपनी हिस्ट्री देता है, पहले तो हम केमिकली ट्रीटेड बालों की हिस्ट्री लेते हैं। कुछ लोग बहुत टाइट बाल यूं करके बांध हैं, इसको कहते हैं ट्राइकोटिलम। इसमें जनरली होता यह है कि हेयरलाइन पीछे जाना, हेयरलाइन पीछे जाने से होती है, तो हम उनको कहते हैं कि प्लीज स्टॉप, ये स्टॉप कर दें, आपने इसको ऐसे नहीं बांधा आपका, इसलिए हाँ वो ट्रैक्शन से खराब होना है, फॉलिकल अंदर होता है। कुछ लोग यूं बाल बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से ऐसे ऐसे करके खेलते रहते अपने बालों के साथ, वो गिर जाते हैं वहां से, तो छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं, वो हमें समझ आ जाती है देख के कि वजह क्या है इसकी। बहुत दफा आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है बालों में, जिसकी वजह से गिरता है। सो ये हमने आपको देख के ये नहीं कह देना कि जी आप पीआरपी कर लें, हमने आपके बेसलाइन, आपकी हिस्ट्री के मुताबिक आपकी वो करनी है, ठीक है। और वो जो स्किन का मिसेस ताहिर ने कहा था, साथ ही बता दें उनको ने कराई, इचिंग शुरू हो गई। नहीं देखिए, अगर कोई चीज रिएक्ट करती है ना, आपको कोई चीज रिएक्ट करती है तो वो फॉरन करेगी, विदिन 72 आवर्स करेगी, 6 महीने बाद नहीं करती। क्योंकि वो कहीं नवंबर दिसंबर में कराया था तो तकरीबन, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी नेचुरली सेंसिटिव है विद एजिंग, जैसे जैसे आप एज करते हो आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती जाती है, दैट इज वाई यू, एक तो उनको चाहिए कि एक पीआरपी की रिटच लें। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपना ब्लड है जो हम डाल रहे हैं, अपने ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उसमें जो कैल्शियम ग्लूकोनेट डालते हैं, एक्टिवेटर जो वो कह रही थी,
कुछ डॉक्टर्स नहीं डालते, मैं नहीं डालती एक्टिवेटर उसमें, ठीक है, लेकिन कुछ डालते हैं, हर कोई अपना सोच के करता है, कुछ कहते हैं कि अगर एक्टिवेटर डालेंगे ज्यादा असर आएगा, कुछ कहते हैं नहीं डालेंगे तो ज्यादा। कॉल ले लूं, मिसेस यूसुफ हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस यूसुफ, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कहिए। अच्छा, ये मेरी कभी भी किसी शो में फर्स्ट कॉल है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपको वेलकम कहेंगे पहली बार। थैंक यू सो मच, और आपका शो बहुत अच्छा है, मैं मतलब 5-6 महीने से इसको फॉलो कर रही हूँ और बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मैंने एक ट्रीटमेंट कराना है, लाइटनिंग ट्रीटमेंट। वैसे मेरा कम्प्लेक्शन ठीक है, पर कुछ एरिया जैसे नेक का एरिया होता है, ठीक है, तो वो आपका होता है कि थोड़ा सा डार्क है, या अंडर आर्म्स का एरिया है वो डार्कर होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो अगर मैं कराना चाहूँ तो डॉक्टर साहिबा से मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो मतलब कौन सा लेजर ट्रीटमेंट होता है या कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए मुझे, ठीक है, कौन सा इफेक्टिव होगा, कितने अच्छे के लिए इफेक्टिव होता है। ठीक है हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल बहुत ज्यादा हो गए, आप जल्दी जल्दी से मैं जल्दी बता देती हूँ। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो मैं कहती थी एक्टिवेटर, उसका अगर रिएक्शन आना हो तो उसी वक्त आता, बिकॉज वो डिजोल्व होकर वो खत्म हो जाता है, आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को या कोई भी ड्रग हो कुछ भी उसको निकाल देती है, ठीक है। तो अभी मैं उनसे ये कहूंगी कि PRP के ऑन एंड ऑफ सेशंस लेती रहें, ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए, ये आपके नेचुरल कॉलेजन को इंड्यूस करता है, आपके इचिंग वगैरह वो भी खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं होगी, उसके लिए कुछ अगर वो दिखा दें हमें तो कुछ दवाइयां होती हैं हम बताते हैं, वो खत्म हो जाएगी, कुछ ऑइंटमेंट सब बताएंगे जिसकी वजह से खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, उनका ही दूसरा सवाल था कि बोटॉक्स मैं कराना चाहती हूँ लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि उसकी क्या साइड इफेक्ट्स हैं ताकि फिर मैं डिसाइड करूँ कि मैंने कराना है। बोटॉक्स मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ स्किन डीप है जब हम लगाते हैं, एक चीज़ ये कि बोटॉक्स का जो इफेक्ट आ जाता है वो जनरली रिवर्सिबल नहीं होता, वो 2-3-6 महीने जितने अर्से के लिए काम करता है, ठीक है। अब साइड इफेक्ट्स तभी होंगे जब मैं सही नहीं लगाऊंगी आपकी ये लिड नीचे गिर जाती है और वो फिर जैसे जैसे बोटॉक्स का असर खत्म होता है वो ऊपर आ जाता है, लेकिन नहीं ऐसा कोई बहुत ड्रास्टिक किस्म के साइड इफेक्ट्स अपर फेस के लिए नहीं है, लोअर फेस के लिए भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वही बात है कि आपको जो लगाता है गो टू अ प्रोफेशनल, वो साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब जो मिसेस यूसुफ का सवाल था कि लाइटनिंग ट्रीटमेंट कराना चाहती हैं लेकिन कुछ खास पर्टिकुलर जगह के लिए जैसे गर्दन है, अंडर आर्म्स है, इस तरह की जगह है, तो कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट है, लेजर है या कुछ और? लेजर्स भी हैं इसमें, वो हम देखेंगे तो बताएंगे, कभी कभी पर्सन टू पर्सन, कुछ लोगों को होते हैं एकैंथोसिस नाइग्रेकन्स कहते हैं उसको, मोटापे की वजह से होती है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट मुश्किल होता है, कुछ को मैक्युलर डोसेज होती है वो एक पिगमेंटेशन से हो जाती है, तो उसके लिए हम दवाइयां और ट्रीटमेंट्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो अब उसमें हम कुछ पील्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं, केमिकल पील्स जो वाइटनिंग होती हैं, लेजर्स भी कर सकते हैं हम, माइक्रो नीडलिंग के साथ भी कर सकते हैं, सो कॉम्बिनेशन में चीजें कर सकते हैं, एक दफा हम अगर देख लें तो ज्यादा बेहतर, एक जनरलाइज चीज नहीं होती ना, आपने पेशेंट टू पेशेंट देख के बताना होता है कि क्या करना है, ठीक है। डॉक्टर का एक सवाल किया था यहिया ने कि जो अक्सर हम जाते हैं केमिस्ट की ये फार्मेसी पे जाते हैं तो हमने लिए फेस वॉश उठाते हैं, उसमें लिखा होता है अमरूद का रस होगा इसमें, इसमें ये होगा, हमें अक्सर जो ब्यूटिशियंस होते हैं खुशबू होती है और सिर्फ उसके अंदर ये बात दुरुस्त की है, उसमें ऐसी खुशबू होती है कि लगता है आपने वही फ्रूट खरीदा है। तो अगर आप कुछ ब्यूटिशियंस हैं वो भी बताते हैं कि जी जनाब इसमें ये वाली चीज है, ये इसके लिए ये अच्छा है, क्या असल में उनमें वो चीजों का एसेंस होता है या ये सिर्फ बातें, कुछ में नहीं होता कुछ में होता? मैं कॉस्मेटिक चीजों का तो कुछ नहीं कहूंगी, जनरली एसेंस नहीं होता, खुशबू ही होती है जो पता, और जो क्रीम्स होती हैं, प्लीज मैं ये मैसेज सबको देना चाहती हूँ, जो लोकल क्रीम्स आती हैं वाइटनिंग के लिए वो मत यूज करें, आपकी स्किन बिल्कुल टिश्यू पेपर थिन हो जाती है, उसमें छाइयां ज्यादा हो जाती हैं, आप जब वो छोड़ते हो आपके फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, उसके अंदर मर्करी होती है, मर्करी एक खुद जहर होती है, आप वो स्किन पे लगाते हो, जब तक लगाते हो आप ग्लो करते हो, द मिनट आप उसको छोड़ते हो आप चमकने वाली गोरा क्रीम जो बिक्री है वो नहीं लें, जी प्लीज नहीं लें, प्रोफेशनल एडवाइस लें, आप अपनी स्किन के साथ मत खेलें, बहुत गलत है। जब थिन हो जाएगी तो वो जब हमारे पास आते हैं तो हमें लिटरली हाथ लगाते डर लगता है कि इतनी खराब हो जाती है स्किन उससे, सो आप
कोई भी प्रोडक्ट यूज करें प्लीज रिकमेंड करवाएं किसी अच्छे एस्थेटिक फिजिशियन से, या तो यूज ही ना करें, करें तो किसी अच्छे से अच्छे से करें। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी, एहसन है कराची से, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तसर बस ये पूछना चाह रहा था कि इन्होंने बहुत सी बातें माशाल्लाह बयान की हैं, लेकिन क्या ये बता सकती हैं कि अगर हम सिर्फ डाइट पे आते हैं, ऑर्गेनिक फूड के हवाले से आते हैं या जड़ी बूटियों के हवाले से, तो कौन सी ऐसी डाइट है जो आपके चेहरे की स्किन या जल्द के लिए, उसको झाइयों से बचाने के लिए और उसको अच्छा रखने के लिए, और जो आपके बाल हैं उनको तवाना और मजबूत अच्छा रखने घने रखने के लिए डाइट के हवाले से ये क्या सजेस्ट करेंगे? पानी ज्यादा पीना तो है, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या वेजिटेबल है फूड में, उनसे कैसी ऐसी गिजाएं हैं जो मुस्तकता तौर पे आपके बालों और स्किन को दोनों को सपोर्ट करती हैं? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसीजर्स बड़े महंगे होते हैं, नदा आपको पता है, और ज्यादातर हमारी नानी दादियां भी कहती हैं कि खाओ पियो अच्छा तो होती है, और ये बात हमने देखी भी है कि अगर डाइट अच्छी हो तो ये प्रोसीजर्स इज द सेकेंडरी थिंग। तो आप क्या प्रेफर करती हैं? आप डॉक्टर हैं, मुश्किल सवाल में आपके मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दूंगी। देखें, दो किस्म की एजिंग होती है हमारी, एक एक्सट्रिंसिक एजिंग होती है जो आपके पोल्यूशन और आपके जो डाइट है, आजकल बताएं खालिस डाइट्स कहाँ पे हैं, कहीं ठीक है, बिल्कुल डाइट है, पोल्यूशन है, उसके वो अफेक्ट करता है, आपके सन रेज हैं, इसलिए हम सन ब्लॉक्स का भी कहते हैं, ठीक है। एक इंट्रिंसिक एजिंग होती है जो आपकी जेनेटिकली अल्लाह ताला ने आपके बॉडी के सेल्स के अंदर एजिंग चल रही है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक एजिंग को हम डाइट के साथ इन चीजों के साथ कर सकते हैं कंट्रोल, इंट्रिंसिक एजिंग को ऐसा सच नहीं कर सकते, नहीं वो अपनी क्लॉक चल रही है अपने उस पर। इसमें जेनेटिक्स बहुत, आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो स्पेशली कश्मीर के लोग होते हैं, उनके रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, व्हाइट स्किन, वो स्पॉटिंग ब्राउन कलर के, उनके डॉट्स जेनेटिक हाँ जी जेनेटिक होता है वो, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं आप देखें 40s की एज में भी इतने यंग लग रहे होते हैं, वो भी गुड जेनेटिक्स। सॉरी टू कट यू ऑफ, वी हैव तहमीना ऑन द कॉल, अस्सलाम वालेकुम तहमीना, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं तहमीना? जी अल्लाह का शुक्र। प्लीज मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी थी। जी जी, डॉक्टर साहब आपको सुन रही हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे दो बेटे हैं, एक की एज अभी 14 साल है और एक की 12 साल है। सही। तो ऑयलिंग तो आपको पता है स्कूल की रूटीन के साथ वीकली मेरी कोशिश होती है, कभी कभी मिस हो जाता है 15 डेज के बाद शॉवर से पहले ऑयल। लेकिन अभी थोड़ा बड़े बेटे के ना थोड़ा थोड़ा सा डैंड्रफ स्टार्ट हुआ है, तो हमने उसके लिए इनको विटामिन ई और सेल डी का कैप्सूल देना शुरू किया। तो अब मुझे बताएं कि उसमें ऑयलिंग से ही फर्क पड़ जाएगा अगर हम कंटिन्यू कर लें, या कुछ और मुझे उसके लिए ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ेगा? मैं बताती हूँ। ठीक है, तहमीना थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, डॉक्टर साहब अभी बताती हैं। जी डॉक्टर साहब, अब कौन सा जवाब दूं? आप पहले ये दे दें फिर हमसे दूसरा पूछ। हाँ, अच्छा, ऑयलिंग बहुत सारे लोग समझते हैं कि डैंड्रफ ऑयलिंग से कम होती है, वो ऐसा होता नहीं है जनरली, ऑयलिंग से ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा हमारा वो बर्स्ट किया ना मिथ बचपन का, बिकॉज ये आपके अपने नेचुरल ऑयल्स होते हैं और एक यीस्ट होती है हमारे बॉडी के ऊपर जनरली होती है, उसको कहते हैं मेलेसीजिया। ओके, ठीक है, इट्स ए यीस्ट, जैसे डबल रोटी के ऊपर फफूंदी लगती है ना, उस तरह हमारे स्किन के ऊपर एक नेचुरली वो रहती है। ठीक है, जब हमारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में तो हमारा पीएच लेवल एक होता है स्किन का, वो चेंज होता है, जब वो चेंज होता है तो वो थोड़ी सी ओवर, कुछ लोगों में बड़े अच्छे उसके ओवर ग्रो करने के चांसेस हो जाते हैं इन सम पीपल। ओके, तो वो फिर उससे डैंड्रफ बनती है। हाँ जी, उससे डैंड्रफ। अब मैंने ये देखना है कि वो डैंड्रफ कितनी है, वो क्या आया, वो पेड़े पेपड़े बन रहे हैं डैंड्रफ के, या माइल्ड डैंड्रफ है। माइल्ड डैंड्रफ ऑन एंड ऑफ शैम्पू मिलते हैं, जैसे कोनास स्कैल्प जेल है, सेल्सिन ब्लू शैम्पू है, हेड एंड शोल्डर्स का भी जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है, दिस टन्स ऑफ देम, ठीक है, वो हम देते हैं जस्ट ट्वाइस अ वीक या मे बी वंस इन 10 डेज आप यूज कर लें, और ऑयलिंग से जनरली हेल्प नहीं करता। ठीक है, साथ साथ ऐड कर दे, मुझे किसी ने कहा था कि ऑयलिंग इज जस्ट अ मॉइस्चराइजर, या आपके घबाल नहीं बढ़ा सकता, ये बात सच है? ऑयलिंग से मैं आपको बता दूं, जब आप ऑयलिंग से मसाज, यस इट इज़ अ मॉइस्चराइजर, और अगर आपने उसको ओवरनाइट भी लगा लो तो ठीक है, लेकिन वो जो चार चार दिन तेल लगा के जाते हैं, इट अट्रैक्ट्स ग्रीस,
यू नो इट अट्रैक्ट्स ग्रीस टू योर हेयर, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर. आप बेशक ओवरनाइट लगा लो लेकिन इसको प्लीज सुबह वॉश कर लिया करो, ठीक है. आप जितना अरसा देखें, यहाँ पे एक ऑयल है, आपके ब्रीदिंग फॉलिकल्स है यहाँ पे, आप ऑयल लगा के उसको मजीद क्लॉक कर रहे हो ना, ठीक है, उसको लॉक कर रहे हैं, लॉक कर रहे हो ना ज्यादा. आपकी स्वेटिंग जो नेचुरली हो रही है वो भी नहीं हो पा रही है क्योंकि ऑयल की लेयर आई, लेयर उसके ऊपर आ गई. तो हाँ जी, ऑयलिंग जरूर करें, बहुत अच्छी है लेकिन फॉर अ लिमिटेड टाइम, ठीक है, ठीक है. ओवरनाइट कर लें या दो तीन घंटे के लिए कर लें. कुछ तेल होते हैं जैसे वो कड़वा तेल होता है, बहुत अच्छा है. हाउ डज इट वर्क? आपके वेजोडाइलेशन का, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं आपकी स्कैल्प में, जमे का तेल कहते हैं, जमे का तेल, हाँ जी, उसके अंदर वो उसकी वेजोडाइलेशन करके ना खून की गर्दिश तेज करता है. जब खून की गर्दिश तेज होती है वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ज्यादा आती है और आपके बाल थोड़े, हलीमा वीकेंड पे, ठीक है, वीकेंड पे तेल है जी हमने लगाने जी, तेल वर्क्स. और फिर बाकी बालों के लिए मॉइस्चराइजर भी है लेकिन प्लीज लिमिटेड अमाउंट में यूज करें. डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे, आई एम श्योर कॉलेज के भी होंगे जो उन्होंने पूछने होंगे, क्योंकि मसले मसाइल जैसा मैंने शुरू में कहा था अब बहुत ज्यादा होने शुरू हो गए. इंशाल्लाह दोबारा भी आपको जहमत देंगे कि आप यहाँ पे आए और हमारे मसलों को हैंडल करें. और अभी हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और गेस्ट टॉपिक हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं जाना आप लोगों ने हमारे साथ जाना. हर इंसान की जिंदगी मुकम्मल ही नहीं होती. इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड. इंसान मुकम्मल नहीं है उसके बगैर. तैनू गीत सुनावांगा मैं यार, ओ तैनू अपना बनावांगा मैं यार. कदी नहीं तोड़ना इश्क दी डोरना, हर वेले तैनू बोलना. डोलना डोलना संग तेरे, डोलना 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 संग तेरे, डोलना. यहाँ पर जिन भूत भी जाने से डरते हैं. हमारे घर पे हमला हुआ था तो उसने हमारा साथ दिया था. कब्जा करो, पहले से ही वहाँ मौजूद था, धमकियां दे रहे थे मुझे. वो हम सबको मार देंगे. हम साई बता रही थी, पूरे 16 कत्ल किए हैं उसने. फरी, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ. नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना. हमारी शादी होगी, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? फरी मेरी तरफ देखो. दूर रहो मुझसे दानियाल, मेरे करीब मत आना. मैंने कहा मेरे करीब मत आना. मुमकिन है कि उनकी निगाह में कोई और जज गया हो. कौन सा ऐसा जुर्म मुझसे सरजद हुआ था जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? नरासा पर तमसीला की जान ले लूं अगर हमारी रिवायत को ठेस पहुंची तो. आपा अगर तमसीला का ब्याह होगा ना तो सिर्फ शहबाज से होगा. कदम फूक फूक कर चलने वालों को ना इश्क नसीब नहीं होता. अब अगर तुम्हारी कहीं की कुल खिला के बैठी है तो हमारी क्या खता? लगता है अंकल कुछ ढूंढ रहे हैं. आ जाओ उनकी मदद करते हैं. लेकिन हम स्ट्रेंजर से बातें नहीं कर सकते. लेकिन बाबा तो पीछे हैं. अस्सलामुअलैकुम अंकल. वालेकुम अस्सलाम बच्चों. अंकल क्या कुछ घुमाए आप कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं मैं तो कुछ भी नहीं ढूंढ रहा. तो फिर इतनी सारी लाइट्स क्यों ऑन है? अल्लाह हाफिज़ अंकल. अल्लाह हाफिज़.
बच्चे तो समझ गए, बड़े कब समझेंगे? फालतू बत्तियां बुझाएं, बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाएं। PTCL ब्रॉडबैंड से पहले कुछ भी ट्रूली अनलिमिटेड ना था। लगाना पड़ता था रात 10 बजे के बाद इंटरनेट का फुल लॉकडाउन। सॉरी, बाकी कल। बस, दिन में 5 से ज्यादा डाउनलोड्स पर कंप्लीट बैन और घर का वाईफाई पासवर्ड। मेरे लिए किसी कौमी राज से कम ना था। मगर फिर मैंने PTCL का ब्रॉडबैंड घर मंगवाया और हो गया सब ट्रूली अनलिमिटेड। अब दिन रात चलती है टीवी रूम में बेंच पार्टीज और डाउनलोड्स एंड स्ट्रीमिंग्स भी हो गई ट्रूली अनलिमिटेड। रहा हमारा वाईफाई पासवर्ड, वो तो हो गया अब सबको जबानी याद। PTCL ब्रॉडबैंड घर के आया, लाइफ हो गई ट्रूली अनलिमिटेड। तो आप भी 1-to-1 मिलाए और हमारी तरह ट्रूली अनलिमिटेड इंटरनेट के मजे उड़ाए। इन्हें क्या पता यादें क्या होती है। ध्यान किया करो बहू, पहली बार मैंने उंगली उसी मकान में चलाई थी। बहुत शौक था मुझे उनका स्कूटर चलाने का। बहू, घर से अकेले बाहर मत निकला करो, आजकल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मिले हैं ये पल, ना मिलेंगे ये कल, आज जी लो इन्हें ये समा फिर ना आएगा। वक्त ये इसकी जगह यही गुजर जाएगा। मकान तो सिर्फ दीवारें हैं, घर की यादें तो रिश्तों से होती हैं। इन्हीं रिश्तों की ऐसी ही खट्टी मीठी यादों को बुनते बनता जा रहा है फैसल टाउन। ये समा फिर ना आएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ दो बहुत ही प्यारे से हमारे मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जो है वो स्कॉच से है। और स्कॉच आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की एक ज़माने तक बहुत ज़्यादा फेवरेट गेम रही है और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टाइटल्स जो हैं वो जीते हैं। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान अभी भी बहुत ज़्यादा टाइटल्स जीत रहा है, बस फ़र्क ये है कि हमें इतना ज़्यादा पता नहीं लगता कि कौन जो है वो कितनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है हमारे वतन के लिए। तो आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि स्कॉच में लोग कितना नाम पैदा कर रहे हैं और क्या क्या जीत के आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे इनके बारे में, एक छोटी सी हमने वीडियो बनाई है तो उसकी तरफ चलते हैं और फिर जब वापस आएंगे तो उनसे आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे। नाजरीन, स्क्वॉश एक ऐसी स्पोर्ट जिसको इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में कराने वाला एक ब्रिटिश आर्मी के कोच हाजिम खान साहब, उनसे पाकिस्तान की स्क्वॉश वाबस्ता इस तरह से है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उनकी गेम से ऑफिसर्स इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने हाजिम खान ही जाएगा। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी लड़ी जो पाकिस्तान को तकरीबन 4 तिहाइयों तक वर्ल्ड स्क्वॉश स्टेज पर डोमिनेशन दिलाती रही। उसमें हाशिम खान, रोशन खान, आज़म खान, मो खान, कमर जमान, जहांगीर खान एंड वन एंड ओनली जानशेर खान, इन सब के नाम शामिल हैं। 1997 जानशेर खान ने आखिरी मेडल पाकिस्तान के लिए जीता, आखिरी वर्ल्ड टाइटल जीता और उसके बाद से पाकिस्तान अब तक कोई वर्ल्ड टाइटल लेने में नाकाम रहा। आगे स्क्वॉश का क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं
जो आज भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए बेताब बैठे हैं। इन प्लेयर्स को जानने से पहले स्क्वाश के बेसिक रूल्स जान लेते हैं और पूछते हैं एक प्रो प्लेयर से कि इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। गेम स्क्वाश अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले तो आप सर्विस बॉक्स में से स्टार्ट करते हैं, फिर सर्विस करने से सर्विस लाइन को सर्विस लाइन के ऊपर मारना चाहिए और नीचे 10 पे नहीं मारना चाहिए। और चारों तरफ आपको लाइन जो नज़र आ रहे हैं वो लाइन के ऊपर दोहराने गेम आपने नहीं मारना, उसमें आप पॉइंट लूज कर सकते हो। बाकी एक सिंगल बाउंस में आपने बॉल को उठाना है। फरहान भाई हमेशा मेरे लिए काफ़ी एक बड़े भाई की तरह थे, बाकी उनको बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ खेलते हुए। काफ़ी वो उन्होंने टूर्नामेंट जीते हैं, पहली दफ़ा मैंने उनको देखा था क्वेटा में जब वो उन्होंने एग्जीबिशन मैच किया था, तो उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था उनसे। तो बाकी फिर इधर स्क्वाश कोर्ट में काफ़ी हर दिन उठना बैठना उनके साथ बात करते हैं तो काफ़ी नाइस लगता है। और कोचिंग में उन्होंने मुझे एक ट्रिक सिखाई थी कि आप अपने लेंथ्स और स्ट्रेट शॉट्स बराबर करोगे तो आपकी इंटायर गेम काफ़ी डिफरेंट होगी। तो मैंने वो प्रैक्टिस किया, साल दो साल उसमें लगाए, तो अभी जाके मेरा गेम काफ़ी इंशाल्लाह माशाल्लाह से इम्प्रूव हो चुका है। बाकी फरहान भाई द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। स्क्वाश की फिटनेस बाकी स्पोर्ट्स की फिटनेस से कितनी डिफरेंट है? स्क्वाश जो है काफ़ी टफ गेम है, ये बाकी स्पोर्ट्स की तरह नहीं है कि आप अगर कंफर्टेबल जोन में हैं तो आप खेल सकते हैं। आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ता है। अगर मैं आज आपको $10 million ऑफर करूँ या चलें 10 करोड़ रुपए ऑफर करूँ और मैं कहूँ आज आपने स्क्वाश छोड़ देनी है, आप स्क्वाश छोड़ देंगे? ये सवाल मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं, मैं खुद लड़कों से पूछता हूँ और हम सब अभी तक खेल रहे हैं। एक बन्नू की लड़की के लिए स्क्वाश खेलना और फिर पाकिस्तान की पहली स्क्वाश कोच बनना, फीमेल कोच बनना, कहाँ से मोटिवेशन आई, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत एक्टिव थी और जैसे होते हैं तो मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने देखा कि मुझ में ये टैलेंट है कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी और मुझे बहुत पसंद था, तो उन्होंने देखा कि इसमें टैलेंट है तो क्यों ना इसको मैं किसी स्पोर्ट्स में डाल के इसका टैलेंट ज़ाया ना होने दूँ। विद इन 6 months मैं नेशनल चैम्पियन बन गई under 15 की। मुझे लगता है अगर आप फैमिली की सपोर्ट है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में स्क्वाश बहुत रिच हिस्ट्री रखती है, लेकिन पिछली 2 दहाइयों से स्क्वाश को वो मर्तबा नहीं मिल सका जो एक दफ़ा पाकिस्तान में स्क्वाश का था। सादिया 10 साल पाकिस्तान नंबर 1 रहे, फरहान 7 साल पाकिस्तान नंबर 1 रहे, लेकिन आज भी उनको वो पजीराई वो सपोर्ट नहीं मिलती जो वो पाकिस्तान से उम्मीद लगा के अभी तक हैं। हेलो जी, वेलकम बैक। और ये क्या खूबसूरत अली ताबिश आपने ये एक्साइटमेंट रिपोर्ट बनाई है, एक्चुअली रिपोर्ट बनाई है जिससे लिटरली जज्बात जो हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। लेडीज जेंटलमैन, हमारे साथ दो स्क्वाश प्लेयर्स हैं, बात करेंगे सबसे पहले जान शेर जहांगीर खान और अब हमारे साथ मौजूद है जनाब फरहान जमान और उनकी वाइफ, जी हाँ उनकी बेगम सादिया गुल, दोनों स्क्वाश प्लेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जिस शॉट से आप जोर से शॉट मारते हैं मैंने उसी तरह इंट्रोडक्शन उस जज्बात से दिया ताकि आपको लगे उसी ग्राउंड में आप स्क्वाश मोटिवेट हो, हम ताकि आप मोटिवेट हो। बहुत शुक्रिया आने के लिए, हम बहुत एक्साइटेड है कि आज आप दोनों आए। 1997 में पहली बार खेला फरहान जमान ने और उस वक्त सादिया कहती है, मैंने कहा आप क्या करती थी, कहती है मैं उस वक्त पैदा नहीं हुई थी, पैदा हुई थी उस वक्त पैदा हुई थी। 2010 में उन्होंने स्क्वाश के लिए खेला। ये एक्चुअली अगर कहें तो फैमिली ट्रेडिशन चलता आ रहा है बड़े अरसे से। माशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल जानशेर साहब ने जो है वो जीता, जहांगीर खान साहब ने जीता, जानशेर साहब ने, राइट, 1997 में, जैसे अली ताबिश ने बताया भी। अब माशाल्लाह ताला अब कितने दूर हैं हम वर्ल्ड टाइटल से ये तो पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बताइए ये ख्याल कहाँ से आया, ये सब पूछते होंगे लेकिन हम भी पूछना चाहते हैं क्यों, व्हाई स्क्वाश, व्हाई नॉट हॉकी क्रिकेट? स्क्वाश बेसिकली हमारी फैमिली गेम है। मेरे अब्बू के बड़े भाई कमर जमान 1980s में जब क्वेटा से माइग्रेट होके पिशावर आए तो वो उनको देखा गया कि वो बड़ी अच्छी स्क्वाश खेलते हैं, तो उस वक्त PIA काफ़ी स्पॉन्सर करती थी, काफ़ी सारे स्पॉन्सरशिप थी उस वक्त, तो PIA स्पॉन्सर करती थी और मेरे अब्बू के जो बड़े भाई हैं माइग्रेट होके पिशावर आए और फिर इंग्लैंड गए, वहाँ पे ब्रिटिश ओपन, पहले वर्ल्ड ओपन नहीं होती थी, पहले ब्रिटिश ओपन होती थी जो कि 10 जीती है जहांगीर खान साहब जी, बिल्कुल।
तो जब मेरे अबू के बड़े भाई जीते, इस तरह फिर उन्होंने अपनी बाकी भाइयों को सपोर्ट करना शुरू किया, फिर उन्हीं के बेटे, फिर मेरे कज़न्स, तो ये फिर एक फैमिली का वो बन गया है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे अच्छी नजर से इनको लाने वाला कौन है? अच्छा, इनको लाने वाला कौन है? इनकी तो फैमिली गेम थी ना, पर हमारी फैमिली में क्या कि इवन जो जहां से मैं बिलोंग करती हूं वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। बन्नू से, आपको पता है अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल था। मेरे फादर मुझे लाने वाले थे इस गेम में, और क्योंकि मैं जी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने सबके खिलाफ जाके जो है मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा क्यों आपको सादिया बचपन से शौक था खेलने का? बचपन से मतलब मैं बहुत स्पोर्टी थी, हर मतलब जैसे नहीं स्क्वाश खेलने का शौक था, सिर्फ खेलने का शौक था नहीं, मुझे स्पोर्ट्स हर स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, लेकिन स्क्वाश में मुझे मेरे फादर लेकर आए। जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो वो मुझे उससे प्यार हो गया स्क्वाश से, और उसके बाद जो है मैंने स्टार्ट किया, विद इन सिक्स मंथ्स मैं नेशनल चैंपियन बनी। और उसके बाद जब आप चैंपियन बनते हो ना तो उसका एक मजा ही अलग है, उसके बाद आप कहते हो मैं इससे भी आगे जाऊं, इससे भी आगे जाऊं। हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको ये बता दूं कि सादिया जो है वो 10 साल कंजक्टिव नेशनल चैंपियन रही हैं, और फरहान जो है वो 7 साल कंजक्टिव, मतलब एक जिस तरह आपने कहा कि नेशनल चैंपियन जब आप बनते हैं वो तो आप बन गए, लेकिन 10 साल कंजक्टिव उस लेगेसी को लेके चलना और वो मेडल हासिल करना, मेरे ख्याल से अली मुझे बता रहे थे जब आप लोगों से मिल के आए कि अब मेडल्स की तादाद भी उनके घर में इतनी ज्यादा होगी कि दे डोंट बॉदर कि हम उन्हें गिन लें। 130 प्लस फरहान के हैं, 40 प्लस इंटरनेशनल मेडल्स हैं, और आप तो कहती हैं कि मेरे पास इतने ज्यादा हैं कि मैं गिनना ही भूल गई। मैंने बेसिकली ना रिसेंटली हमें बेसिकली बताया जाता है कि आपसे जो सीनियर है जैसे फरहान महबूब को अभी मिला था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो स्टेप बाय स्टेप मतलब हर प्लेयर को उसका जब टाइम आता है तो मिलता है। तो लास्ट ईयर मैंने गिनना शुरू किया फरहान महबूब के बाद, मैंने कहा चलो अब मेरी बारी है। तो जब मैंने गिनना शुरू किया तो मैंने डिसाइड किया कि ये मैं खुद ही मतलब सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की कोई अगर नहीं भी मिलता तो मुझे जो है ना जरूरत नहीं है, मेरे मेडल्स ही मुझे देख के। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल जो कि जब मैं सोच रहा था, जब मैं गाड़ी चलाते हुए या अक्सर मेरा ब्रेन बड़ा तेज चलता रहता हर वक्त, तो मैं सोच रहा था मैंने ऐसे क्या सवाल पूछने के ताकि जो लोग देखने वाले सुनने वाले वो मोटिवेट हो, क्योंकि बहुत सारों ने पूछा होगा कहाँ से शुरू किया कैसे किया, लेकिन ये ऐसी गेम नहीं है कि आपने उठाया अपना रैकेट और आप निकल गए, नहीं, इसके लिए आपकी एक डिसिप्लिन है, एक डाइट है, इसके लिए सेक्रीफाइसेस हैं बहुत ज्यादा हैं, सोशल लाइफ जो लोग बहुत चाहते हैं कि हो वो खत्म करनी पड़ जाती है, आपको अपने लिटरली रिश्तेदारों से मिलना खत्म कर दिया, डाइट ऐसी है कि लिटरली सुन के कहते हैं यार ये मैं तो नहीं खा सकता। तो सादिया मैं आपसे शुरू करूंगा, बड़ा मुश्किल है, आई एम सॉरी टू से दैट स्टीरियोटाइप है, लेकिन खातून के लिए वो सारा कुछ तोड़ना सब कुछ करना वो है क्या और किया कैसे? बिल्कुल ऐसे जिस तरह आपने बोला ना कि मैं ईद के दिन भी खेलने जाती थी, बाकी फैमिली सब इंजॉय करती थी, मैं ईद के दिन भी अपने खेलने, कोई शादी है फैमिली में कजन्स वगैरह, मेरे फादर मेरे साथ घर पर होते थे, बाकी सारी फैमिली इंजॉय करने निकली होती थी, मैं खेलती थी आती थी सोती खाया पिया बस, ये मेरी जिंदगी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया कि अब मैं इस मकाम पर हूँ, तो आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, मेहनत तो आपको करनी पड़ती है, आप कोई भी किसी भी फील्ड में हैं जब तक आप उसको टाइम नहीं देंगे, उसको आप अपनी जो आपकी आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं बन सकते। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इंजॉय भी करूँ मैं ये भी करूँ तो आप वो मुमकिन नहीं। अच्छा सादिया, आपने कहा सेक्रीफाइस मैंने किया और वो मुझे आज पे बैक कर रहा है, लेकिन आपके फादर ने भी आपके साथ सेक्रीफाइस किया कि उन्होंने भी हर चीज़ छोड़ी। आप यकीन जाने कि वो ऑफिस से आते थे, मैं स्कूल से जब आती थी और मैं घर से स्क्वाश कोर्ट जाती थी और वो ऑफिस से डायरेक्ट आते, वो खाना नहीं खाया होता था उन्होंने, वो मेरी खातिर वहाँ 6 बजे तक बैठे रहते थे भूखे और उसके बाद वो घर जाके खाना खाते थे। मतलब मैं आज जो भी हूँ मेरे फादर की वजह से हूँ। सादिया मुझे वो डिसिप्लिन बताया, मैं लिटरली आप दोनों से जानना चाहता हूँ वो क्या डिसिप्लिन है, क्योंकि वो डिसिप्लिन खाली इसके लिए नहीं है, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग आपको डिसिप्लिन करना है अपने आप को, वो क्या डिसिप्लिन था जो आपने अपनाया? बिल्कुल, जैसे हमने फजर के टाइम हम उठते थे, बाकी बच्चे जो है वो सोए होते हैं, हम स्कूल जाने से पहले ही हमें फिजिकल करने जाना होता था, तो हम अभी आधी रात होती थी और हम 3-4 बजे उठ रहे हैं और हम ग्राउंड जा रहे हैं, अंधेरे में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हर चीज़ आपको एक उससे रखनी मैनेज करनी होती है। फिर जैसे हम वापस आए तो हमने स्क्वाश जाना, ट्रेनिंग करनी अपनी, वहाँ से वापस आके अपनी स्टडी भी साथ में जो हमने कंटिन्यू करनी, और उसके बाद टाइम से सोना ताकि हम वापस जब सुबह उठे तो हम फ्रेश हों, हम अपनी ट्रेनिंग कर सकें, अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना, क्योंकि अगर आप डाइट सही नहीं लेते तो आपको इंजरीज और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको होती हैं, तो आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। फेलियर का भी जिक्र करें, फेलियर्स हुए बहुत, और आप फेलियर से ही सीखते हैं, जब आप
किसी चीज़ में फेल होते हैं ना, वहाँ से आपको जज्बा आता है। जैसे मैं जीतती थी ना, तो बस जीत तो रही हूँ सही है, लेकिन जिस दिन मैं हारती थी ना एक मैच, तो फिर मैं कहती थी मतलब है कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर रही। बुरा फेलियर तो पता है हमें, हम भी समटाइम ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और आप खेलने जाते हो और वो चीज़ आपको पे बैक नहीं होती है, मतलब आप हार जाते हो ऐसे प्लेयर से जिससे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सबसे कम आपने सोचा हो कि इससे मुझे कोई नुकसान हो सकता है ना किसी ऐसे प्लेयर से। और जब आप, और वो तब होता है जब हम कहते हैं इससे तो मैं नहीं हार सकता, हम इजी हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो कहते हैं आपको हम बताते हैं और जब आप हारते हो तो वो एक, मैं कहती हूँ मैं तो ऐसी थी कि मैं अपनी हार से हमेशा अपनी जीत को वो करती थी कि मैंने अब जीतना है, मैंने जिससे मैं हार रही हूँ मैं तो हमेशा रोई मैं हमेशा रोई हूँ अगर कोई मुझसे एक, मतलब मैं जीतती थी लेकिन अगर कोई गेम भी ले गया तो मैं रोती थी कि वो एक गेम क्यों ले गया मुझसे, मुझे मेरा टारगेट होता इस लड़की को मैंने इतने पॉइंट्स देने, इससे ज्यादा मैंने नहीं देने, अगर वो उससे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लेती थी तो मैं निकल के रोती थी कि ये पॉइंट्स ले लिए, ये डेडिकेशन तो है। बहुत रुलाया लोगों को, तो अभी कहते हैं मुझे जहाँ पे भी मैं जाता हूँ सही है तो सभी मेरे खिलाफ होते हैं और मुझे रीजन पता होती है कि मैंने इनको हराया है तो क्या कहते हैं खुद भी कभी रोए रोया एक दफा था जब शुरू के दिनों में ईरान और दुबई के बीच में एक जजीरा है किश, तो वहाँ पे एक फ्रांस का प्लेयर था और मैं नया नया मतलब अपनी PSA प्रोफेशनल रैंकिंग की तरफ जा रहा था, तो मुझे लास्ट गेम में ना फील हुआ कि ये बंदा थोड़ा सा क्रिमिनल है, तो उसने बॉल पे जाने के बजाय मुझे आके ना रैकेट मार दिया। ओ तो मैं जब नीचे गिर गया तो मैंने रोना शुरू कर दिया, तो जब मैं रोया हूँ तो मुझे एम्बुलेंस में डाल के लेके गए, मेरा वो मैच मैं जीत गया था लेकिन मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। फिर मैं पाकिस्तान वापस आया, मैं तकरीबन 4-5 महीने उठ नहीं सकता था और मैंने ये इतना गुस्सा था कि मैंने ये ब्लेम जोर से लग गया, मैंने मतलब मैंने ये गुस्सा वापस तो नहीं किया जजीरे पे कि किधर है, मैंने वो अपने अब्बू को बोलना शुरू कर दिया कि ये आपकी वजह से हो रहा है ना, तो वो कहते हैं मेरी वजह से कैसे हुआ है वो तो उसने मारा है तुझे तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ मुझे इतना शौक था, मुझे वापस मारना नहीं सिखाया। मैंने फिर 4-5 साल बाद दोबारा जब मेहनत की सही है, मैं दोबारा अपने आप को रिकवर करके दोबारा टूर में गया, तो मैंने उसी लड़के को दोबारा अमेरिका में देखा और मैं उसको देख के ना थोड़ा सा वो था, मैंने कहा इसको तो यहाँ हम ना मार सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं तो, तो उसका हल यही था कि इसको दोबारा जो है ना हराओ। गेम से उसको दिखाया कि मैं फिट हूं, मैं सेट हूं। क्या बात है, यही सबसे बेहतर जो बदला होता है ना वो यही होता है कि आप अगले को हरा दें। अच्छा फरहान, बहुत सारे लोगों को जब स्क्वैश के बारे में कहा जाता है तो वो कहते हैं ये बड़ी आसान सी गेम है, दीवार के ऊपर बॉल ही तो मारनी है ऐसे करके, तो जो ये लोग कहते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि अभी हम लोग इधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मूसफ स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में, आप लोग आए जिसका भी दिल करता है इनवाइट दीवार के साथ, ये कहते हैं ना उनको ट्राई करनी चाहिए और कुछ नहीं कह सकते उनको। ताबिश भाई आए थे हमारे पास, उनको हमने जो है ना 1-2-3 मिनट स्क्वैश खिलाई है, इंशाल्लाह उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक बोरिंग गेम है, ये एडिक्शन है, अगर एक बार आपने खेलना स्टार्ट कर दी तो हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो माशाल्लाह 65 ईयर्स की हैं, एक लेडी है माशाल्लाह 63 ईयर्स की और वो आती है और वो खेलती है और आप जब देखेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो है ना 63 ईयर्स की है, एग्जैक्टली वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा खेल रही होती है जब मैं उनके साथ खेलती हूँ, फुल टफ टाइम देती हैं। तो स्क्वाश आपको हमेशा यंग रखता है, अगर आप स्क्वाश खेलेंगे तो आप हमेशा यंग रहेंगे। सादिया मुझे बताएं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस तरह के होते हैं जो खेलने का शौक रखते हैं लेकिन वसाइल उनके पास इतने नहीं होते कि वो खेल सके, और मुझे पता लगा है कि बहुत सारे अंडर प्रिविलेज बच्चों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देती हैं, तो उसके पीछे आपका क्या नजरिया है और आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं वो जब उभर के सामने आएंगे तो वो पाकिस्तान को शायद ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? आपको पता है हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, अवेयरनेस नहीं है, और स्पेशली लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे माशरे में ये है ना कि लड़की को हम क्यों, सब हमारा बेटा है उसको हम कुछ बना ले वो हमें कमा के खिलाएगा, तो बस लड़की को बैठ जाओ बर्तन धो लो ये कर लो, इस तरह से उसको डिग्रेड किया जाता है, घरेलू काम सिखाओ आगे से शादी करनी और ये वो इस तरह चीज़ें, तो पहले तो उनको घर से ही सपोर्ट नहीं मिलती, फिर अगर इतनी किसी भी आप फील्ड में जाते हो तो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपको कुछ ना कुछ रैकेट बॉल शूज़ ये इस तरह की हर गेम की अपनी चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, तो वो नहीं कर सकते उसको अफोर्ड। और फिर दूसरा अगर आप किसी से खेलते हैं तो जैसे आप स्कूल जाते हैं आपको फ़ी भरनी होती है, इस तरह आपको जो आपको खिला रहा है उसको भी आपको देना पड़ता है, तो वो अफोर्ड नहीं करते तो वो कहते हैं बस आप बैठ जाओ घर पर, तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि
लड़कियां जिनमें टैलेंट है और वो आगे आ सकती आगे आने देना चाहिए और मैं उनको जितना मेरे से हो सकता है मैं रैकेट दे सकती हूँ, शूज दे सकती हूँ, बॉल दे सकती हूँ और मैं अपनी तरफ से फुल उनके साथ दिल से मेहनत कर रही हूँ कि वो आगे आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें कि आप जब आगे आई हैं तो एक पार्टनर ऐसा होना बहुत जरूरी है जो सपोर्ट करे, क्योंकि वालिद ने तो कर लिया, अब बात आती है फरहान भाई की। फरहान भाई साथ में खुद भी, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग गेम है वो करना, साथ में वर्क लाइफ बैलेंस, एक बेटी है आपकी 4 साल की उसको वक्त देना, फिर बेगम भी अगर साथ में खेलेगी तो ये तो बड़े डिफिकल्ट डिसीजन है, तो ज्यादा आई एम सॉरी टू से शोल्डर जरा हैवी आपका लग रहा है मुझे तो कैसे नहीं नहीं ऐसे ना समझिए, बंदूक मेरे कंधे पे तो फरहान भाई ये इतना भारी शोल्डर, ये डिसीजंस कैसे लिए और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? बेसिकली मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा बड़ा किया है कि हम कंप्लेन नहीं करते किसी भी चीज के लिए, हम कहते हैं ये मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि ये हमारा काम ही है, हल हो जाएगा मतलब, और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई फरहान हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है और डेडिकेटेड है, मतलब मेरे को चीज को करते तो बहुत डेडिकेशन। यहाँ पे जो लेकर आया है वो एयरफोर्स लेकर आई है, सही है, मैं एयरफोर्स के लिए स्क्वाश खेलता हूँ, हम सब किसी न किसी डिपार्टमेंट के लिए खेलते हैं, तो ये बेसिकली मूसफ स्क्वाश कॉम्प्लेक्स एयरफोर्स के अंडर ये बिल्डिंग है और ये नेशनल एकेडमी है बेसिकली, तो उनको इससे बेहतर कोई मिल नहीं सकता था कि उन्हीं का बंदा जो है ना आके टेक ओवर करता। और मेरा एक्सपीरियंस, मैं इंस्टेट के बाहर मुल्क जाके ये अपनी सारी चीज़ें मतलब करता कोचिंग की, क्योंकि हमें बाहर से भी ऑफर्स आती हैं और हम करते भी रहे हैं। तो हमारे जो एयर चीफ हैं, हमारे एवीएम हमाद काजिम, ग्रुप कैप्टन जफर याब, एयर कमोडोर आफ्ताब, ये हमारी एक टीम है बेसिकली जो हमें प्री प्लान लेकर आई थी कि इसी की वाइफ सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम आगे बच्चों को सपोर्ट उनको एक लेडी भी चाहिए थी साथ साथ, वो इसलिए चाहिए थी तो वो दोनों एक ही के एक फैमिली जैसा माहौल हो, सही है, कोई अगर कोई लेडी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लेडीज आती हैं और वो क्या कहते हैं थोड़ा सा शाये फील करके चली जाती है। क्योंकि जब मैं आई ना तो उस टाइम पर एक भी लड़की नहीं खेलती थी, कोई फीमेल कोच थी ना, माशाल्लाह काफी सारी लड़कियां हैं जो आ रही हैं, हर एज की खवातीन आ रही हैं, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। ब्रेक आने से पहले आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक वापस आके मैंने आपने सवाल का जवाब सोच के रखिए, दोनों माशाल्लाह नेशनल टीम के कोच बन चुके हैं, हम टाइटल कब ला रहे हैं, कब वर्ल्ड टाइटल जो हमारे नाम होगा, हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और देखेंगे कि वर्ल्ड टाइटल कब लिया था और अब कब लेने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपने कहीं नहीं जाना, आप कहेंगे गुड मॉर्निंग एक और सुबह में वापस आइए। हर इंसान की जिंदगी मुकम्मल ही नहीं होती, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, इंसान मुकम्मल नहीं है उसके बगैर। तैनू गीत सुनावांगा मैं यार, ओ तैनू अपना बनावांगा मैं यार, कदी नहीं तोड़ना इश्क दी डोरना, हर वेल तैनू बोलना, डोलना डोलना संगते, डोलना 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 संगते। मुमकिन है कि उनकी निगाह में कोई और जच गया हो। कौन सा ऐसा जुर्म मुझसे सरजद हुआ था जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? नरासब तमसीला की जान ले लूं अगर हमारी रिवायत को ठेस पहुंची तो। आपा अगर तमसीला का ब्याह होगा ना तो सिर्फ शहबाज से होगा। कदम फूक फूक कर चलने वालों को ना इश्क नसीब नहीं होता। आप अगर तुम्हारी कहीं की कुल खिला के बैठी है तो हमारी क्या खता? होता है।
साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें, खबरदार, छूना मना है। भारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ स्क्वॉश के दो बहुत ही उम्दा प्लेयर मौजूद हैं, फरहान और सादिया, और दोनों आपस में मियां बीवी भी हैं। अच्छा, हमें ये पता लगा कुछ ऐसा पहले कि जी फरहान और सादिया जो है शादी होने से पहले बड़ी राइवलरी इन दोनों की चला करती थी, और राइवलरी यहाँ तक थी कि जिस जगह पे सादिया खेलने जाती थी वहाँ फरहान जो है सिर्फ उनको टीज करने के लिए आके खेलना शुरू कर देते थे, और जहाँ पे फरहान खेलने के लिए जाते थे वहाँ सादिया उनको टीज करने के लिए पहुँच जाती थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक दफ़ा इनकी वजह से सादिया की कंप्लेंट पे फरहान को एक पनिशमेंट भी मिली, तो वो किस्सा भी हम पूछेंगे। और फिर ये भी पूछेंगे कि इतनी सख्त जो लड़ाई थी वो फिर शादी तक कैसे पहुँची। तो फरहान, आपको किस तरह से सादिया ने एक दिन की पनिशमेंट दिलवा दी, ये क्यों? बेसिकली जब हमें बताया जाता है जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो ये ऐसी चीज़ है ये किसी और को ना पता चले, ये हमारे ख़ानदानी राज है, और ये हमने जो है ना, तो ये सादिया क्योंकि आउटसाइडर है, ये आके ना कोशिश करती थी कि मेरी ट्रेनिंग देखे, क्योंकि मेरे सीनियर थे, सारी बातें मैं देखती थी कि सीनियर प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, तो ये अगर बॉल ऊपर गई है तो ये मेरी ट्रेनिंग देख के कहीं जाके ना वही चीज़। तो मेरे बाबा ने नोटिस किया और मुझे बोला कि जब भी ये आए तो अपनी आपने ट्रेनिंग ही चेंज कर देंगे। तो ये जो है फिर बाद में, क्योंकि मैं एयरफोर्स के लिए खेलता हूँ, डर इसलिए नहीं कि घर भी जाना है इसलिए नहीं, नहीं डरते नहीं है, लगता है कि डरते असल में। बेसिकली हम लोग गए थे 2016 में, इंडिया गए थे साउथ एशियन गेम्स खेलने के लिए, तो वहाँ पे किसी ने मुझे बोला, हमारी एक सीनियर प्लेयर है वापड़ा की, कि आपको चाहिए कि सादिया गुल से जो है ना शादी कर लें। तो उस वक्त मैंने इस बात को मजाक में लेके टाल दिया, और जब मैं वापस पाकिस्तान आया हूँ तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे अमेरिका में कोई लड़की पसंद आई, मैं घूमता फिरता था, तो क्या मैं उससे शादी करूँ। मैंने पहले अपने बड़े भाई को बताया, तो वो कहते हैं हाँ हाँ कर ले, मुसलमान हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पासपोर्ट भी आ जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, स्क्वाश प्लेयर से कोई मसला नहीं है। पहले तो ये बांध दिए ग्राउंड, बेसिकली क्या कहते हैं, हम पेशावर के, तो थोड़ा सा आपको पता है कि पेशावर वाले, इवन कहीं से भी तो स्पोर्ट्स की लड़की को थोड़ा सा कि अच्छा स्पोर्ट्स की घर नहीं चला सके। तो मैंने ये चेक किया कि मेरे घर वाले इस चीज में तो तैयार हो रहे हैं, तो मैं बड़ी बहन को ये बता के गया था कि मैंने कहा ये बात आपने, मैं जा रहा हूँ मैच खेलने, ये आपने अभी नहीं बतानी है, ये जब मैं आपको ओके दूंगा। तो मेरी बहन ने ओके दिया, और जैसे ही मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो अब्बू मेरे इनके घर पहुंच गए, और मेरी उसी रात फ्लाइट थी, मैंने यूएसए जाना था, और मैं हैरान परेशान कि ये हो क्या रहा है, मैच खेलने जा रही है, रिश्ता आ गया। मेरी मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कहा मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आपने इतना जल्दी बता देना है। तो मेरे वालिद गए, रिश्ते वगैरह जो भी बात हुई है, तो उनकी तरफ से इनकार आया कि अभी वर्ल्ड ओपन जीतेगी। तो मेरे अब्बू ने मुझे बड़े गुस्से से आगे बोला, हम इससे भी अच्छी देखेंगे ना, वर्ल्ड टाइटल जीतेगी, जी। तो ये सीन था, आपने इनकार क्यों कर दिया? तो अच्छा रिश्ता आपको कहाँ मिलने वाला था? ऐसा नहीं था, आपको पता है कि गोल कुछ और था, गोल भी थे, और दूसरा एक फैमिली में होता है ऐसे कि ना हमारी तरफ ये होता है कि एक ही बार में हाँ नहीं करती कभी भी। अच्छा, आपको तीन चार बार तो जाना है, जाहिर बात है, ऐसा थोड़ी ना कि आपको फौरन हाँ करेंगे। तो मैं वैसे सोच, मैंने अपनी अम्मी को बोला, मैंने कहा मुझे अगर पता होता कि इनसे शादी होनी है तो मैं इतना तंग ना करता। अच्छा, मेरा वर्ल्ड टाइटल वाला, मेरा वर्ल्ड टाइटल वाला सवाल जो है वो मैंने पूछता ही, पर मुझे इसी से एक बात याद आ रही है, मुझे आप हमें जो हमारे जराए उन्होंने बताया कि आपके फड्डे बड़े होते हैं दोनों के, अभी भी लड़ाइयाँ बड़ी होती है। अच्छा, अच्छा, नहीं तो ये है कि हम सॉरी टू से बेसिकली अभी हम कोचिंग करते हैं, अभी हम कोचिंग करते हैं बेसिकली, तो टीम वर्क है हमारा, हम रैकेट नहीं मारते हैं। हम दोनों क्या करते हैं, जब हमारी कोई फड्डा हो जाए तो हम कोर्ट में जाते हैं, आए फिर देखते हैं कौन जीतता है। ओ रियली? फिर एग्जैक्टली वहां पे सारी वो फ्रस्ट्रेशन, सारी फ्रस्ट्रेशन वहां निकालते हैं, और एक दूसरे को यस यस करते हैं, पॉइंट ले लिए हमने। अभी क्योंकि कोचिंग साइड में है तो उधर भी कुछ ना कुछ इख्तलाफात आते रहते हैं, लेकिन हम अपने जो क्लाइंट्स हैं या जो भी बच्चे हैं उनको उनको पता नहीं चलता, और हम अपने इशारों इशारों में एक दूसरे को, लेकिन ये अच्छी बात है कि किसी को पता नहीं चलता। एग्जैक्टली, नहीं वो तो कहते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ प्यार होता है वहाँ तो थोड़ी बहुत नोक जोक। अच्छा फरहान भाई, अगर आप स्क्वाश प्लेयर ना होते तो क्या होते? मैं
कमांडो होता। आप क्या होती? मैं पायलट बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं स्क्वाश की पायलट हूँ। बॉल को भी कंट्रोल करना है, पायलट की तरह ही है ना, हेल्थ को कंट्रोल करे। बहुत अच्छी बात। तो जहाज की ना से ही बॉल की स्क्वाश की पायलट। तो वर्ल्ड टाइटल कब आ रहा जी? 12 हम लोगों ने रिसेंटली ब्रिटिश जूनियर के लिए गए थे। हमारा एक सिल्वर मेडल आया है अंडर 13, नुमान खान लेकर आया है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। ये एक स्टेप है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ब्रिटिश जूनियर आपको जाना पड़ता है, उसके बाद फिर सीनियर में। तरह से हमारी लड़कियों में माशाल्लाह हमारी जो अपकमिंग बच्चे हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारी महनूर अली इस वक्त 111 की एशियन चैंपियन है, और उसके साथ साथ ब्रिटिश जूनियर भी खेलने गई और वहाँ पर उन्होंने क्वार्टर टॉप 8 में वो आई, तो जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। इंशाल्लाह मैं तो यही देखती हूँ कि हमारी लड़कियाँ भी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको टॉप 10 टॉप 5 में और इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनने की पूरी सलाहियत है। वो बनेंगी। नूर जमान, नूर जमान हमारे हैं जो एशियन बेस्ट प्लेयर बने हैं रिसेंटली, और हमजा खान जो है वो वर्ल्ड टॉप 2 में है। तो अभी वो जा रहे हैं वर्ल्ड जूनियर खेलने ऑस्ट्रेलिया। तो इंशाल्लाह आप लोग को जब न्यूज आएगी तो हम उनको फिर आपकी तरफ। आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था उस टाइम, मुझे ये स्टोरी भूल गई थी, फेलियर का आपने पूछा था। तो मैंने काफ़ी मेहनत की है, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खेलने जाना था, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। तो जब मैं खेलने गई तो मेरी कोई सीडिंग नहीं थी, क्योंकि उससे पहले मैंने कोई टूर्नामेंट इस तरह खेला नहीं था, और जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स खेले हुए थे, उनकी रैंकिंग भी थी। तो जब मैं गई तो मेरे पे प्रेशर भी था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि पाकिस्तान से जब आप इस तरह खेलने जाते हो तो आप पीछे से बहुत प्रेशर होता है। अगर आप खेलने गए आगे, आपने किसी इवेंट पे जाना है तो आपको वहाँ परफॉर्म करना पड़ता है, तो ही आप किसी इवेंट पे जाएंगे, आपको इज्जत मिलेगी, इस तरह से होता है। तो ये प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब मैं गई, मैंने ऑस्ट्रेलिया की लड़की को हराया, एक दो तीन और मैचेस मैंने जीते, और मेरा क्वार्टर फाइनल इंडिया की लड़की से आया, और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। ओके, लेकिन आपको पता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि फ्रेंड्स हैं या जो भी है, बहन भाई हैं, व्हाटएवर, या शौहर है। तो जब मैंने उनसे मैच खेला तो पहली गेम वो जीत गई, और उन्होंने बड़ा उससे यस किया, और उस टाइम मैं तब तक मेरा वो नहीं था, दोस्ती में ही मैं खेल रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से, वो इंडिया पाकिस्तान का अचानक से आया, और उसके बाद मैं उनको 3-1 में जीत गई। और जब मैं जीती तो हमारा थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा सा क्लैश भी क्लैश आ गया कि भाई वो मुझे जीत गई, क्योंकि वो थर्ड सीट थी। और मैं उनको जीतने के बाद बड़ा रिलैक्स कि मैं तो इनको जीत गई हूँ, सेमीफाइनल है, मेरा मेडल तो आना ही आना है हर हाल में, क्योंकि जब आप सेमीफाइनल पहुंच जाते हो आप टॉप 4 में आ जाते हो, तो आपको ब्रॉन्ज तो मिलता ही है, ठीक है, अगर सिल्वर गोल्ड नहीं मिलता लेकिन ब्रॉन्ज जरूर मिलता है। तो मैं इजी, लेकिन जब मेरा मैच हुआ तो उस लड़की से मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत क्लोज हारी एक एक पॉइंट से, और मुझे उसके बाद जो था ना, मैंने कहा ब्रॉन्ज तो मेरा पक्का है, चलो ब्रॉन्ज तो मुझे मिल रहा है, लेकिन उस ब्रॉन्ज के लिए भी लड़ना पड़ना था, मुझे ये पता नहीं था। और मैं बड़ा रिलैक्स तरीके से, जैसे आप जब मैं हारती थी ना तो मेरा एक ये वीक पॉइंट था, और मैं आगे सब प्लेयर्स को ये बोलना चाहूँगी, अगर आप हार भी जाए ना तो अपने एक जो प्रोफेशन आपका करेक्टर होता है ना उसको आप बिल्कुल लूज ना करें। मतलब मैंने स्ट्रेचिंग नहीं की, मैंने प्रॉपर डाइट भी मील नहीं खाया, अपना टाइम पे मैंने रेस्ट नहीं किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा आपका तो 15 मिनट बाद मैच है। मैंने कहा कैसे हो सकता है, और मैं जहाँ थी वो 30 मिनट्स वहाँ से दूर था। ओह माय गॉड। तो मुझे वहाँ से, जब मैंने उनसे कॉल पे बात की, मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। तो मैं जब पहुँची, जैसे पहुँची विदाउट वार्म अप मैं कोर्ट के अंदर घुसी, और आपको पता है जब इतने अनप्रोफेशनल तरीके से आप कोर्ट में जाएंगे तो आपका माइंडसेट भी वो नहीं होता, और मैं वो हार गई। तो मेरा इतना अच्छा जो चांस था इतने बड़े इवेंट का, एक मेडल लाने का, वो मेरा जो है उस टाइम लूज हो गया था। तो उसके बाद जो है मुझे वो बहुत बड़ा सबक मिला था कि वक्त से, खरगोश की कहानी जो आपने, कछुए खरगोश की कहानी, वक्त से पहले आप खुश नहीं हो सकते कि बस मुझे तो मिल गया है, तो आपको मकाम पे जब आप पहुंच जाए ना उसके बाद आप ये सोचें। बिल्कुल। फरहान भाई मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन फिर वो ये देखते हैं, या बच्चे भी चाहते हैं कि वो आएं, लेकिन फिर वो ये देखते हैं कि जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं आप लोगों की तरह, उनके बारे में कोई इतना जानता नहीं है। हमने भी जब आप लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया तब हमें पता लगा कि इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स आप लोगों ने माशाल्लाह की हुई है। तो वो देखने के बाद वो ये कहते हैं कि जब लोगों से पजीराई नहीं मिलनी, लोग इनका नाम तक नहीं जानेंगे हमारे पाकिस्तान में, तो चलो फिर ठीक है कि किसी और गेम में चले जाएं, इस पे ना जाएं। तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है काफ़ी काम कर रही है। तो ये प्री प्लान्ड, हम एयरफोर्स ने रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है, सही है, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिजिटाइज़ किया है, सही है, अपनी सारी चीज़ों को हमने एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें अगर आप चाहें, कोई भी चाहे, सही है,
जिसका भी दिल करता है स्क्वाश खेलना वो उधर जाए के 500 रुपीस दे के फॉरएवर का मेंबर बन जाएगा, और फॉरएवर का मेंबर बन जाएगा सिर्फ 500 रुपए। हमने ये जो हमारे ग्रुप कैप्टन जफर याब साहब थे और हमाद काजिम की स्ट्रगल से ये हैं हमारे एवीएम, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ये पहले क्या होता था कि जितने भी बच्चे नए बच्चे थे उनको कोई पता ही नहीं चलता था कि टूर्नामेंट किधर हो रहा है, तो अब उस वेबसाइट में जिधर भी कैसे करनी है टूर्नामेंट होता है सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन कहाँ वर्ल्ड चैंपियन कब किस ईयर में बना वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डाली है, और कोई भी उसमें इंटर करके अपना नाम जहाँ पे भी पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा होगा तो वो खेल सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि इतना इजी कर दिया गया, जबकि आप उस वेबसाइट का दोबारा बताते हैं pakistanscosh.org, ये एक org ठीक है pakistanscosh.org, तो इस पे आप तो उसमें जाके आप किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं, आप कोई भी कोचिंग कोर्स के बारे में किसी भी स्क्वाश की इन्फो जो है वो आप ले सकते हैं। अच्छा आपने ये पूछा ना कि लोग कहते हैं किसी और गेम में चले जाते हैं, तो इसका मैं एक बहुत अच्छा आंसर देना चाहूंगी कि लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि एक स्क्वाश ही ऐसी गेम है, मुझे बाकियों का नहीं पता लेकिन मुझे जितना पता है स्क्वाश में आप बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्कॉलरशिप आपको मिलती है, फुल स्कॉलरशिप और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देते हैं। हमारे पास नहीं है, फिर देखें अब अगर आप देखें तो हम बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह पैसा घर बैठे कमा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन कमा रहे हैं, वही चीज़ जो गवर्नमेंट की जॉब्स आपको मिलती हैं इतना पढ़ के उसके बाद आपको मिलती है वो हमें बचपन से मिल जाती हैं, तो ये किसी को अवेयरनेस इन चीज़ों की नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको फायदे भी हैं, लेकिन जैसे मीडिया पहले बहुत सपोर्ट करती थी तो जैसे अब आपने हमें बुलाया है लोग हमें देखेंगे इस तरह से, और हमारे जो स्क्वाश को पहले मैचेस दिखाए जाते थे लोगों को अवेयरनेस थी स्क्वाश, अब तो इवन एक बार मुझसे किसी ने पूछा स्क्वाश कौन सी गेम है, मैंने कहा आपने नहीं देखी, तो उन्होंने यही बोला कि दिखाए नहीं जाते, उन्होंने कहा सही वो गेम सामने वॉल में, आपसे आपसे बड़ी ज्यादा बातें करने का दिल कर रहा है पर क्योंकि वो कहते हैं ना वक्त की जो सुइयां है ना उन्होंने तय कर लिया किसने जाना है और किसने रुकना है, अभी हमारे पास चूंकि जो है हमने जाना है आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि हमारे सब प्लेयर्स को चाहे वो क्रिकेट के हॉकी के सबको सेलिब्रेट करें, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह मुझे और हलीमा ज़ुल्फ़िकार को दीजिए इजाजत अपना बहुत सारा मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी, आप लोगों ने वीकेंड एंजॉय करना है, मंडे को टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसा है तो भाई साहब मेरी मुट्ठी में जब चाहूं आजाद कर दूं, जब चाहूं मसल दूं। रोमियो और मैं अब हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। आइंदा मैं इस घर में रोमी का नाम तक सुनना नहीं चाहता, उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसका रिश्तेदार कोई नहीं, ना आप मुझे छोड़कर जाते ना इस जिंदगी में मैं अकेला होता, ना मुझे सब लावारिस कहते, पूरी जिंदगी साथ निभाने के लिए ना हिम्मत की जरूरत होती है, मुझे नहीं लगता तुम में हिम्मत है। अपने लिए कोई वाली वारिस वाला माँ बाप वाला अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और शादी कर लो। पर अगर रूमी मेरा नहीं था तो आपने हमें मिलवाया क्यों? चंद रोज की है जिंदगानी। चंद रोज की है जिंदगानी। फिर इतना हंगामा और फसाद क्यों? तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो, और ये लट गजबधारी। मना ले चार दिन की खुशी, उसके ऐसे पर काटूंगे कि जिंदगी भर याद रखे। एक बात याद रख, भूखे को कोई नहीं पूछता, सब रजे हुए कोई पूछते। कभी दुश्मनों को गले लगाना पड़ता है, अभी इस दुनिया में निडर लोग भी हैं।
कभी दोस्तों का गला ज़बा करना पड़ता है। ये यूं कहो कि गुर्बत ने ना उनका डर खत्म कर दिया। एक गलत मूव और गेम खत्म। इन्हें क्या पता यादें क्या होती। ध्यान किया करो बहू, पहली बार मैंने उंगली उसी मकान में चलाई थी। बहुत शौक था मुझे उनका स्कूटर चलाने का। बहू घर से अकेले बाहर मत निकला करो, आजकल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मिले हैं ये पल ना मिलेंगे ये कल, आज जी लो इन्हें ये समा फिर ना आएगा। वक्त ये इसकी जगह यही है गुजर जाएगा। मकान तो सिर्फ दीवारें हैं, घर की यादें तो रिश्तों से होती हैं। इन्हीं रिश्तों की ऐसी ही खट्टी मीठी यादों को बुनते बनता जा रहा है फैसल टाउन। ये समा फिर ना आएगा। Welcome to another exciting episode of Chai और Gupshup। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने साथ यहाँ पे दो हसीनाओं को बुलाते हैं, उनसे उनके lifestyle और profession के हवाले से बातचीत करते हैं। So आज भी जो दो खूबसूरत मैंने हसीनाएं बुलाई हैं वो women empowerment पर भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि मेरे साथ साथ आप लोग भी उन्हें जानें। So without wasting any time, let's welcome Roma and Sana। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सोनिया। सबसे पहले तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग जबरदस्त लग रही हैं, हसीनाएं लग रही, सही वाला मैंने लफ्ज जो है ना अल्फाज इस्तेमाल किए, हसीनाएं। कलर इज ब्यूटिफुल माशाल्लाह, रेड एंड सीरियसली मैम मैं भी करने को तैयार हूँ। मुझे सबसे मजेदार बात जो लग रही है ना कि मैम ने जिस तरह से कैरी किया हुआ है ना रेड कलर, सीरियसली रेड एंड ब्लैक एंड लिप कलर, ओए होए होए। मैंने तो लेके ना मैम से मैंने तस्वीर खींची है, मैंने कहा मैम प्लीज। और ये भी बताया कि वो इटली में है। So you have to go to Italy. इटली का ना मैम। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मैं यहीं से बात का आगाज करना चाहूंगी। हमने ऑफ कैमरा बात की कि मी टाइम, खवातीन का मी टाइम, तो मैम ने कहा इटली। ओ माय गॉड, मैम जरा बताएं प्लीज। वेल एक्चुअली वहाँ पे ये होता है कि अब यहाँ हम तो एकदम सरगर्द करके बाहर चले जाएं और इन्जॉय करें, और वो नहीं हो सकता। या कभी बोर हो रहे हैं, बारिश हो रही है, वॉक पे चले जाएं, कहीं पे बैठ के कॉफ़ी पिएं, बुक करें, ये नहीं होता। वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है, जब भी आपको कोई बोरियत हो जाए ये जाके बीच की साइड पे बैठ जाए। मैं एक दफ़ा रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कुछ भी हो, मैं इस तरह जाके बैठ जाती थी। तो मतलब इट्स वेरी ईजी देयर। फिर बारिश में जलन हो रही है, ओह माय गॉड। बारिश में वॉक करें, मैं अपने काम के साथ साथ वो ये जो लेयर वाला ये वाला काम है वो बड़ा मजा आता है। आपका क्या होता है मी टाइम? सो एवरी ईयर आई